हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो करते हैं स्टार्ट। तो आज अपन कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें 3D की कवर हो जाए, ठीक है, ताकि आपके सर, लिए। हाँ बोलो बोलो सर। वेक्टर इक्वेशंस तो हुआ नहीं, वो कराएंगे इसके बाद, ठीक है। तो पहले अपन 3D कवर करेंगे, उसके बाद वेक्टर इक्वेशन में देखते हैं। वेक्टर इक्वेशन एक्चुअली मेंस में इतना नहीं आता, एडवांस में आता, ठीक है। तो लास्ट के लिए देखते हैं उसको, जब टाइम मिलेगा तो उसको अपन कब कवर करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, 3D का अपन मैक्सिमम चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। आपको तो सिलेबस एक बार सिलेबस देख लो, ये सिलेबस है आपका, ऊपर आपको दिया है वेक्टर का, जो इस साल का लेटेस्ट सिलेबस है 2024 का। वेक्टर स्केलर ये हमने पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, कैसे दो वेक्टर को ऐड करना है, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन टू डायमेंशन AI के BJ के, और थ्री डायमेंशन में AI के BJ के CK के, हाँ है ना, और स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ तक कर लिया था हमने। यस सर, ठीक है। ये आपका सिलेबस का पोर्शन है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम चीजें हमने कर ली, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी करी हमने, जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा था, क्योंकि उसका एप्लीकेशन 3D में कहीं ना कहीं काम आता है और चीजें को समझने में हमारे लिए आसानी रहती है, क्योंकि कोप्लेनरिटी और कोलिनियरिटी ये तो हमको पढ़ना ही अच्छे से, क्लियर है। तो दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, दो वेक्टर या तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं, इससे रिलेटेड अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और उससे रिलेटेड अपन ने थ्योरी मतलब थ्योरम्स भी देखी थी कि कैसे उस चीज को डील करना है, हाँ है ना। यस सर, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक PYQ की वो दी थी शीट, आपने भेजा था, तो 54 के 54 आज ही कर लेते, मतलब नहीं आज नहीं, जितने आपसे हो पाए जितने आप कर लो, कोई बात नहीं, बचे हुए आज आप कंप्लीट कर लेना, और आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सेट और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ताकि वो एक बार अपने एंड से ट्राई कर लेना, जितने हो पा रहे जो सिलेबस से रिलेटेड आपको लग रहे हैं, जो क्लास मैंने कवर कराया उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन हो वो आप कवर कर लेना, ठीक है। अब देखो, थ्री डायमेंशन का जो सिलेबस है वो एक बार देख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन ए स्पेस, एक इस पॉइंट को स्पेस में किस तरह से डिनोट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, उनकी इक्वेशन, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, प्लेन पूरी तरह से हट गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें आपका ये सिर्फ ये सब है, तो ये सारा टॉपिक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। टॉपिक बहुत आसान है, बस इसमें क्वेश्चन की वैरायटी काफी अच्छी अच्छी बनती है, उसकी आपको बस प्रैक्टिस करनी है, बेसिक से लेके अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे, अगर सारे मतलब 100% चांसेस है कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, प्रोवाइडेड आप बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो, ठीक है, रटना नहीं है और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो 3D का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे वो बन जाएगा। अगेन यही है कि भाई इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो कम से कम आने चाहिए, अगर आ गए तो अच्छी बात है, अपने पास चांसेस है कम से कम 3 में से अपन 2 तो सही करके आएंगे इसे, क्लियर है, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं फटाफट, ये सारे टॉपिक जितने भी दिए हैं ये आज सारे अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत सारे क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए पेन थोड़ा फास्ट चलाना, नोट्स बनाने के चक्कर में अभी मत रहना, नोट्स में भेज दूंगा अभी क्लास के बाद आपको, ठीक है, बस आपको जो क्वेश्चंस में दूं उनको आप थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस करना, और डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना, डाउट पूछने में किसी को भी शर्माना नहीं है, 10-15 सेकेंड एक्स्ट्रा वेस्ट जाएगा लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनकेस पहले तो कंसेंट्रेट होकर सुनना, इनकेस किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर, इतना तो बोर्ड में भी है, हाँ ये बोर्ड में भी इतना जो आपका बोर्ड में वही आएगा, बस क्वेश्चन का लेवल अच्छा आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो yes. अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस और विदाउट किसी वो टॉपिक पे डिस्कस करते हुए कि थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, अब तक अपन ने वेक्टर के बारे में देख लिया था, 2D के बारे में भी अब तक अपन ने स्ट्रेट लाइन सर्कल में देखा था, टू डायमेंशन ज्योमेट्री जिसमें दो एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लेते थे, किसी पॉइंट को लोकेट करने का तरीका था x, y, वेयर x इज द व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट आपका क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, और ये कोऑर्डिनेट होता था x, y, उस पोजीशन किसी भी पॉइंट को पूरे टू डायमेंशन किसी प्लेन में लोकेट करने का तरीका। अब थ्री डायमेंशन में हमको क्या देखना है कि थ्री डायमेंशन में आपके पास 3 एक्सिस आ जाएगी, कितनी एक्सिस आ जाएगी, 3। पहले टू डायमेंशन में क्या होता था कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते थे, अब थ्री डायमेंशन में आपके पास बेसिकली कितनी एक्सिस आ जाएगी, 3। तो अब जैसे आप इसको थ्री डायमेंशन का एग्जाम्पल सबसे अच्छा था क्यूब, क्यूब में आप 3D को विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है, मान लो ये क्यूब है, ठीक है, या फिर आपका रूम जो आप जिस रूम में बैठे हो वो भी एक थ्री डायमेंशन स्पेस है,
यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो राइट हैंड साइड से ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस मान ली, तो ये आपकी जेड एक्सिस होगी, तो ये आपका थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, अब इसके ऑफकोर्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, एक नेगेटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये मान लो पॉजिटिव वाई है, तो इस साइड आपका नेगेटिव वाई आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स है, तो इधर पीछे साइड आपका नेगेटिव एक्स आ जाएगा, और जेड है तो नीचे साइड आपका नेगेटिव जेड आ जाएगा। हाँ, है ना, यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। यहाँ तक आप पूरे सिस्टम को देखोगे तो देखोगे कि आठ पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या हुआ? आठ पार्ट है। जैसे ये एक रूम है, ये फर्स्ट रूम, इसके जस्ट पीछे वाला ये रूम नंबर वन है मान लो, इसके पीछे वाला रूम नंबर टू, फिर इधर वाला रूम नंबर थ्री, और इसके आगे वाला रूम नंबर फोर। हाँ, है ना, तो चार ऐसे बॉक्स ऊपर, चार बॉक्स नीचे, तो टोटल कितने हो गए? आठ। इनको आठ को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट। हाँ, है ना, ठीक है सबको, इलेवेंथ में था बेसिक। इन आठ को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट बोलते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे अपना साइन कन्वेंशन होता था टू डायमेंशन में, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे प्लस माइनस, इस तरह से हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स की क्या होता है? साइन कन्वेंशन। वैसे यहाँ पे भी ऑक्टेंट है, तो इस ऑक्टेंट में भी क्या होंगे? साइन कन्वेंशन होंगे। अब जैसे फर्स्ट वाला लोगे तो यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, तो कोई भी जो कोऑर्डिनेट होगा उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉजिटिव। फिर पीछे वाले में जाएंगे तो पीछे वाले में आप देखोगे यहाँ पे जैसे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, तो मतलब माइनस प्लस प्लस, इस तरह से। जैसे आठ ऑक्टेंट हो गए, ठीक है, और किसी भी पॉइंट को अगर अपन को लेना है वेक्टर के फॉर्मेट में, थ्री डायमेंशन में, तो हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। हाँ, है ना, यस सर। ये कोई भी पोजीशन वेक्टर है आर, आर पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन को उस पॉइंट से अगर अपन ज्वाइन कर देंगे, सपोज वो पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो ये एक्स वाई जेड के, इट इज द कंपोनेंट ऑफ दैट पॉइंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और इसका वेक्टर फॉर्मेट पे हम कैसे लिखेंगे? एक्स आई के वाई जे के और जेड के के। क्लियर है सबको? ठीक है, ये आपका थ्री डायमेंशन स्पेस है, इस तरह से ये आठ ऑक्टेंट होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड आप जानते हो क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस, y से डिस्टेंस, z से डिस्टेंस, ये ऑक्टेंट के सारे साइन कन्वेंशन है, तो ये सारा बेसिक है, ये आपके एंड पे मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो। ठीक है, कहीं पे भी डाउट है प्लीज पूछ लेना, नीचे मुझे लगे, हाँ, कहीं पे भी आपको नहीं आया समझ में आता तो पूछते रहना। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जैसे मान लो दो पॉइंट है, जैसे अपन 2D में लेते हैं, दो पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पहले का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, दूसरे का कोऑर्डिनेट है आपका b, x2, y2, z2, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनका फॉर्मूला? एनीवन? √x2 − x1 − x2 − x1 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस z2 मैंने, ये जैसे वहां पे होता था यहाँ पे भी फॉर्मूला है ना। अगेन इसका डेरिवेशन काफी आसान है, आप एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर लोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला सबको याद ही रहता है ये वाला? हाँ, है ना, सर। ठीक है, वेरी नाइस। सेक्शन फॉर्मूला, जैसे वहां पे सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी एक सेक्शन फॉर्मूला थ्री डायमेंशन में, मान लो एक पॉइंट आपका अगेन x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट आपका अगेन मान लो x2 y2 z2। ठीक है, अब एक एक इस ये पॉइंट है, एक पॉइंट है बी, अब इस पॉइंट पे कोई दूसरा पॉइंट है मान लो पी, जो इसको किसी रेशियो m is to n में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट p इसको m is to n में डिवाइड कर रहा है, तो इसके x y z कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमें पता करना है। जैसे वहां पे निकालते हैं तो x कोऑर्डिनेट का बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बोलो, n x1 + n x2 + n x1 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 + n x1
सर आपका इंटरनल डिवीजन, अगर एक्सटर्नल का केस आएगा तो प्लस की जगह सिर्फ क्या कर दोगे माइनस। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि अपन टेंथ में पढ़ते थे, कभी भी आपको मान लो कोऑर्डिनेट्स दे दें, वो पूछा रेशियो क्या है, तो कभी भी अगर रेशियो पूछे तो रेशियो क्या अज्यूम करोगे? एक ही अननोन अज्यूम करना, क्योंकि आप देखो रेशियो है ना, तो के अगर फ्रैक्शन में भी है तो भी रेशियो में आएगा, तो आप एक ही अननोन अज्यूम करना है। रेशियो कभी भी अज्यूम करना है तो अज्यूम रेशियो आप क्या अज्यूम करोगे? केस टू वन है ना? यस बोलो। यस बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपन ने देखा थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री प्लेन, देखो यहाँ पे प्लेन्स बना रखे हैं, जैसे आप देखोगे ये वाला जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई के अलग, तो ये इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, एक होगा वाई जेड प्लेन, एक होगा जेड एक्स प्लेन, है ना? तीन प्लेन होंगे, क्लियर है सबको? जैसे यहाँ पे आप देखो ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल वाला आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, ये जो वर्टिकल है ये आपका वाई जेड प्लेन हो गया। ठीक है, और एक और जो ये वाला है वो जेड एक्स प्लेन हो जाएगा, ये वाला जेड एक्स प्लेन, क्लियर है? चलो अब थोड़ा बहुत अपन क्वेश्चन, ये बेसिक है ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? एनीवन? नो सर, पूछ लेना कहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। ये कोई दो पॉइंट है,
एक पॉइंट है आपका मान लो -2.4.7, दूसरा पॉइंट है आपका 3.-5.8, ये दो पॉइंट है और कोई प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है बताओ फटाफट रेशियो क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन है मान लो कोई प्लेन बना दिया आपने, ये प्लेन इज अपॉन 3 वाई जेड प्लेन है सर, हां सॉरी वाई जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो आपको पता करना, तो रेशियो क्या अज्यूम करो कि केस टू 1 केस टू 1 यस सर। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या माने अपन सर, 0, y, 0, 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 0
अब एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन अपॉन सॉरी एन एक्स वन अपॉन एम वन एम प्लस एन, हाँ है ना, बोलो। यस सर। ये के उधर में चला जाएगा तो थ्री के माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो के कितना आ जाएगा टू बाई थ्री, तो रेशियो कितना आ जाएगा टू इज टू थ्री। क्लियर सबको, ये बेसिक है, हाँ है ना। पूछते रहना डाउट आए तो। एक सॉल्ड एग्जांपल आपके लिए मैंने यहाँ पे रखा है, देख लो ध्यान से। तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं और थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, पूछा है रेशियो क्या होगा, तो अगेन रेशियो क्या मान लोगे, लैम्डा इज टू वन, और इक्वेट कर दोगे, हाँ है ना। यस सर। यस, चलो एक जेई का क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं 2019 का, पढ़ो क्वेश्चन। इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, द डिस्टेंस ऑफ द आर फ्रॉम ओरिजिन, ये भी हो सकता है क्या, या फिर ये इक्वेशन ऑफ लाइन से होगा, पी क्यू है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, हाँ हो सकता है, ठीक है। सर इन्होंने तीन पॉइंट दे रखे हैं। हाँ तीन पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट है पी, हाँ ये तीन पॉइंट है, 8, 0, 10, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट सबको दिए हुए, आर इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो 4, y, z, पूछा है इस आर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालना, तो आर कोऑर्डिनेट बेसिकली निकालना है, तो आर का वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकालना, कैसे निकालोगे, पहले जो एक्स वाला है उससे हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, और बाद में रेशियो निकालना है, वेरी गुड। जैसे एक्स अभी निकाला था, एक्स के कोऑर्डिनेट से अपन क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, करो ट्राई फटाफट, बताओ कितना आ रहा फाइनल आंसर, रेशियो तो निकल गया। ओके ग्रेट, बाकी लोग भी ट्राई करते रहो, मैं तब तक रेशियो निकाल रहा हूं। यस सर कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं डाउट है पूछ लेना। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर रहा सर, ए ऑप्शन आ रहा है क्या, पता नहीं, देखते हैं बाकी लोगों क्या, सब लोग देख बता दो अपना अपना आंसर जो आ रहा हो। सर 2019 और 20 के पीवाईक्यू इजी लगते हैं 2023 और 22 से, हाँ वो चेंजेस तो होंगे ही ना थोड़ा बहुत, तो कुछ नहीं, कुछ कुछ इजी रहते, कुछ कुछ ऐसा नहीं कि 2019 और 20 के सारे इजी थे, कुछ कुछ अच्छे भी आए थे। तो आपका कोऑर्डिनेट आ चुका है 4, -2, 6, हाँ है ना। यस सर यही आ रहा है। अब बस इसका ओरिजिन से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 16 + 4 + 36, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 56। यस सर रूट 56, तो 56 क्या होगा, 4 * 14 2 root 14, वेरी गुड, सबको क्लियर है ये। यस सर। यस सर। यस सर। बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराना था डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला पे, बस ज्यादा इसका यूज नहीं था ये, ठीक है यहाँ तक, और कहीं पे क्वेश्चन में यूज हो सकता है बेसिक, तो आप वो कर लोगे, क्लियर है यहाँ तक, बोलो। यस सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जिसपे हमको ज्यादा भी ध्यान देना है, वो अगला कॉन्सेप्ट आपका है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, इसको अच्छे से समझना, रटना नहीं इसको, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये होता क्या है और इसका मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है। अगेन जैसे मान लो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई,
देखो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन लाइन से भी रिलेट कर सकते हो, वेक्टर से भी रिलेट कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे कोई लाइन है या फिर कोई मतलब मान लो लाइन है या फिर कोई वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर कुछ भी अज्यूम कर लो, अगर लाइन है तो लाइन, पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर। अब ये लाइन या फिर ये पोजीशन वेक्टर जो है ये कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। मान लो एक्स के साथ ये एंगल, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल है बीटा और जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल है मान लो गामा। ठीक है, अब इसको जब इसका ये करो, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है, मान लो फॉर एग्जांपल कुछ कोऑर्डिनेट अज्यूम करो, तो इसका ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, ध्यान समझना। तो इसको जब आप प्रोजेक्ट करोगे चीजों को प्रॉपरली, जैसे इसको मान लो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इसके साथ और फिर इस अल्फा के साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप बनाओगे एक्स एक्सिस के साथ, तो वहां से अगर आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, अब इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया है प्रॉपरली, तो उस डायग्राम को देखना इन्होंने क्या किया है, उस पॉइंट को इधर प्रोजेक्शन बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल अल्फा है, तो वहां से जब कॉस अल्फा निकाला है तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही थी ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका कॉस अल्फा आएगा। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल से आप जब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके कॉस बीटा निकालोगे तो आएगा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और कॉस गामा की वैल्यू आपके पास आएगी सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये बाय ज्योमेट्री आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डायग्राम इसका बना रखा है। तो बेसिकली क्या किया गया, कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर अगर एक्स वाई जेड के साथ मेरे पास कुछ ना कुछ एंगल बना रही अल्फा बीटा एंड गामा, तो उसके कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाले गए और इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन नाम दिया गया। मतलब ये आपका क्या हो जाएंगे, तीनों के डायरेक्शन कोसाइन, बेसिकली इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे एम और इसको बोलेंगे एन। क्लियर है? अच्छा, इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर पूछूं तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, आया ना? क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना, जिसको आता हो वो भी ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत सी बार चीजें मिस हो जाती है, इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर सुनना। तो यहाँ पे मेरे पास ये वेक्टर है जिसका कोऑर्डिनेट था ए कोमा बी कोमा सी, जिसको मैंने लिया ए आई के बोल, तो अगर इसका मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो यूनिट वेक्टर आप क्लियरली क्या करोगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे सबको, आया ना? चार वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया अपन ने, तो यहाँ से एक चीज और देखी गई क्या, कि यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट थे देखो वो भी यही आ रहा है, जो मैंने cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू निकाली थी और जो जो यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन निकाले वो दोनों क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे, हाँ है ना, वो दोनों क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली ये आपके जो एल एम एन है इनको नाम क्या दे दिया गया, डायरेक्शन कोसाइन। ये जो एल एम और एन है इनको नाम क्या दे दिया, डायरेक्शन कोसाइन। और इस, अब यहां से ऑफकोर्स ये अगर यूनिट वेक्टर बेसिकली इसको आर आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल आई कैप प्लस एम J cap plus N K cap, where L M N are my direction cosine, जिसकी वैल्यू या तो A upon this लिखो, मतलब vector, मतलब basically ये जो coefficient divided by उस vector का magnitude, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते cos alpha cos beta cos gamma, L L को क्या बोल सकते cos alpha, M is equal to cos beta, N equal to cos gamma, हाँ है ना, बोलो? Yes sir। अब देखो ये unit vector है, unit vector मतलब इसका magnitude one होगा, तो clearly एक एक चीज और है, आप अगर मान लो इनके square को add करोगे, जैसे L square निकाला, m स्क्वायर निकाला और n स्क्वायर निकाला, इन तीनों के स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे तो क्लियरली देखोगे तो ऊपर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दोनों कैंसिल होकर कितना बन जाएगा 1, और वैसे भी यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना आना है 1 आना है। तो एक और प्रॉपर्टी इनके बीच में क्या आ गई कि अगर एल एम एन आर द डायरेक्शन रेशियो सॉरी डायरेक्शन कोसाइन अगर किसी के हैं तो उनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। क्या बात दिखती है आपको? आप लिख सकते हो, तो ये आपके एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो आप किसी का किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो क्या करोगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, है ना। किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ध्यान से सुनना, किसी भी वेक्टर का अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो क्या करूंगा, मैं उसका यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, जो भी आई केप जे केप और के केप के क्वेश्चन होंगे वही मेरे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। यस सर। और ज्योमेट्रिकली कैसे समझाओगे इसको, अगर मान लो वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द माई डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज एल एन एम। इसलिए देखो इसका नाम क्या यूज किया, कोसाइन, कोसाइन मतलब यहाँ पे देखो कॉस का यूज हो रहा है। क्लियर है? Yes. बोलो। yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट था आपका डायरेक्शन कोसाइन का। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो को कैसे डिफाइन किया, अगर मान लो एल एम एन एन आर माई डायरेक्शन कोसाइन, अगर ये मान लो मेरे डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज की डेफिनेशन स्टैंडर्ड की ये लिखी गई कि मान लो अगर ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियोज है, इफ ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज
ठीक है, तो एबीसी किस तरह की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे कि इस एल का अगर मैं इनके साथ रेशियो लू, इस एल का ये जो मेरे डायरेक्शन कोसाइन है इसका अगर मैं इस डायरेक्शन रेशियो के साथ रेशियो लू, एल अपॉन ए, एम अपॉन बी और एन अपॉन सी, तो अगर ये डायरेक्शन रेशियो है, अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो ये इनकी वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। बेसिकली अगर ए बी सी आर माई डायरेक्शन रेशियो, देन एल का ए के साथ रेशियो, एम का एन बी के साथ रेशियो और एन का सी के साथ रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम। क्या बात समझ में आती है? यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे मान लो ये बोल दो कि एल की ए की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, एल अपॉन लेमडा, बी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, एम अपॉन लेमडा, सी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एन अपॉन लेमडा। लेमडा तो कॉन्स्टेंट है ना, अब अलग अलग वैल्यू ऑफ लेमडा के लिए आपके पास ए बी सी डिफरेंट आते जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक एग्जाम्पल लेके दूं, ध्यान से समझना, मान लो कोई वेक्टर लिया मैंने आर इक्वल टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस के कैप, क्लियर है, तो इसके मुझे डायरेक्शन कोसाइन बताओ क्या होंगे, बताओ डायरेक्शन। हाँ, यूनिट वेक्टर निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, रूट एटीन, रूट एटीन, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, वन बाई रूट एटीन है ना, फोर बाई रूट एटीन और डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा ताकि उसका इसके साथ रेशियो क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब जैसे आप सब मान लो इन सबको रूट एटीन से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं लिख दू मान लो 1,4,1, तो क्या इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे क्या, देखो इन सबका रेशियो देखो, इसका इसके साथ रेशियो देखो, एल बाई ए, एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी, देखो ध्यान से, वन इनका रेशियो लेंगे तो वन बाई रूट एटीन, इनका रेशियो लोगे तो फोर फोर कट जाएगा, इनका रेशियो लोगे तो वन बाई रूट एटीन बचेगा, हाँ है ना। अच्छा इसमें मान लो मैं टू से मल्टीप्लाई कर दू तो 2, 8, 2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो, अगेन इनका रेशियो कॉन्स्टेंट आ रहा है, yes, sir. बोलो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3, 12, 3, ये भी कितना आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो कैन बी इनफाइनाइट, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, डायरेक्शन रेशियो कैन बी मेनी, मतलब बेसिकली आपको क्या रेशियो है ना, जैसे आप बोलते हो मान लो कोई लाइन इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो 2:3 लिखूं या फिर 4:6 लिखूं या फिर इसको मैं सारे इक्वल होते हैं ना, है ना, यस सर, तो वैसे यहाँ पे भी ये सब 1:4:1 लिखू, 2:8:2 लिखू, 3:12:3 लिखू, ये सारे के सारे क्या इक्वल है, है ना, यस सर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक होगा, डायरेक्शन रेशियो आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट था आपका, इसको स्टैंडर्ड बुक के टर्म्स में भी देख लो, क्लियर है, कि अगर अल्फा बीटा गामा एंगल मेरा बनाता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट एल, लाइन सेगमेंट या फिर वेक्टर, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो अगर ये बोलता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सोच के बताओ सर, 1,0,0, अब x एक्सिस के डायरेक्शन पूछा है, x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन कैसे सोचेंगे, अब लाइन अगर x एक्सिस के अलोंग है तो वो y और z के साथ कितना एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री, तो cos 90 और sin 90 कितना हो जाएगा, जो cos 90 0 और x के साथ जो 0 डिग्री है ना, तो 1,0,0, क्लियर है, x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, 1,0,0, हां है ना, यस सर। सिमिलरली y एक्सिस के 0,1,0, वेरी गुड, ये सब के आपके क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर है। चलो ये सारा यहां पे लिख रखा है मैंने, एक बार देख लो इसको, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोस कैन बी मेनी बट डायरेक्शन कोसाइन आपका एक सिंगल रहेगा, और कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर को निकाल के, हां है ना, क्लियर है। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे, आप एक चीज और जैसे एग्जांपल लिया था यहाँ पे, जैसे जो कोएफिशिएंट है बेसिकली आर वेक्टर के, कोएफिशिएंट क्या है, 1,4,1 है ना, बोलो, यस सर, ये 1,4,1 इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोस, क्या है इसके, डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है। तो ये 1,4,1 इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए और ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास दो पॉइंट होते हैं, एक लाइन जो दो पॉइंट से जा रही है, ठीक है, या एक वेक्टर जिस दो पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 5, 7, 1, 4, 3, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इसको वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, ए बी वेक्टर को, 3 आई कैप,
हाँ कैसे लिखोगे? माइनस आई क्या? कुछ फर्क नहीं, डायरेक्शन रेशियो होगा है ना, डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा, इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना? क्लियर है? ठीक है, चलो डायरेक्शन रेशियोज हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, सब कुछ आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना? ये सारी प्रॉपर्टीज देख लेना घर पे शांति से, क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, फाइंड द एंगल, अच्छा एंगल बिटवीन टू लाइन, इसको अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, इसको पढ़ो पहले, क्या आएगा? बोलो सर, सी ऑप्शन होगा, सी आ रहा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, आया ना? yes. और मैग्नीट्यूड yes. कितना आएगा इसके ऊपर, सिंपल कितना आएगा? 7 7 आ रहा है? यस yes, 7 सी आ, यस सर 7 आ रहा है, ठीक है, तो 7 अगर आ जाएगा तो 7 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो, क्लियर है? प्लस 6 है, माइनस 6 कैसे होगा सर? ऑप्शन बी होगा सर, बी आएगा, बी होगा सर, बी आएगा ना सर, सी में तो माइनस है ना, माइनस, यस सर, हां बी ऑप्शन, ओके माइनस होगा ना, क्लियर है? यस सर, नेक्स्ट, जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा, सर डी ऑप्शन 30 डिग्री, सर डी 30 आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है, अगेन वही सिंपल, अगर एक्स के साथ वाई के साथ एंगल दिया, जेड के साथ पूछा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दोगे, आया ना? ठीक है, यस सर, यहां पे वैल्यू पुट अप कर देना अल्फा बीटा गामा की, अल्फा की जगह रख देना 45 डिग्री, इसकी जगह रख देना 120 डिग्री, गामा आ जाएगा, क्लियर है? 120, यस सर, ठीक है, नेक्स्ट, अगेन देखो ये भी वैसे ही क्या, इफ अ लाइन मेक्स 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एंड वाई, तो जेड के साथ एंगल निकालना है ना, अल्फा पता है, बीटा पता है, जेड एक्सिस के साथ आ जाएगा, बोलो, यस सर, ठीक है, 17 में क्या बोला है कि भाई अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच ऑफ द जेड एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस एंड इट मेक्स बीटा विद द वाई एक्सिस सच दैट दिस इक्वल टू दिस कॉस स्क्वायर अल्फा, अगेन आपको वही कॉन्सेप्ट अपनाना है, एक्स और जेड के साथ थीटा है और वाई के साथ कितना है बीटा, तो इसमें रिलेशन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना? बोलो यस सर, यहां से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, क्लियर है? 1 माइनस, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर, ये अपन ने तीन चीजें पढ़ ली, देखो यहां पे वापस सिलेबस दिखाता हूं आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सेक्शन फार्मूला, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, है ना? बोलो आपके लिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए रखे, आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अप्लाई आप घर पे जाके करोगे, क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, लाइन की इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखनी है, लाइन की इक्वेशन, इसको अपन पहले रिलेट करते 2D में हमने कैसे लाइन की इक्वेशन निकालना सीखी थी, तो 2D में अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी थी तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, उसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो किसी लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है, अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे कम से कम दो कंडीशन चाहिए, कितनी कंडीशन चाहिए, दो, एक तो इस लाइन पे मान लो मुझे कोई पॉइंट पता एक्स वन कॉमा वाई, और दूसरा स्लोप दे दिया, दूसरा क्या दे दिया, स्लोप एम, तो अगर पॉइंट पता है स्लोप पता है तो मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, तो लाइन की इक्वेशन निकालते समय आपको डेरिवेशन ऐसे कराया गया था, कभी भी किसी कर्व की इक्वेशन निकालनी हो सबसे पहले उस कर्व पे आपको एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा पी, लोकस एक्स कॉमा वाई, बेसिकली कोई भी कर्व क्या एक लोकस होता है, हाँ ना, ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट पी का कलेक्शन ये लाइन है, बोलो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट पी का ये कलेक्शन, क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, तो इस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट अपने एक्स कॉमा वाई अज्यूम कर लिया,
अब जो तीन चीजें मेरे पास गिवन है, अब इन तीनों में मुझे एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना है कि सारे पॉइंट्स इस लाइन पे उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, सारे पॉइंट इस लाइन को उस रिलेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब मुझे पता है अगर दो पॉइंट हो तो उसका स्लोप निकालने का तरीका, स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, दो पॉइंट से वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन आया ना। यस सर। और ये स्लोप हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है m, तो यहाँ से जो रिलेशन आया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हर पॉइंट x कोमा y मेरा सेटिस्फाई करेगा। Yes, बोलो sir. और यही लोकस आपका क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, यही लोकस आपका क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन आया ना। बोलो। ठीक है, सर्कल के केस में भी अगर मान लो आपको सर्कल की इक्वेशन निकाली, दो कंडीशन देंगे, मान लो सेंटर दे दिया आपको x कोमा x1 कोमा y1 सेंटर कोऑर्डिनेट, और आपको पता है कि उस सर्कल की रेडियस आ रहे, तो एक गिवन सेंटर और गिवन रेडियस का एक यूनिक सर्कल बनेगा, आया ना। यस सर। अब उस यूनिक सर्कल की अगर आपको इक्वेशन निकालनी, तो अगेन इस पूरे सर्कल पे कोई भी एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लो p x कोमा y, अब उन ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक यूनिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, क्या होगा वो यूनिक प्रॉपर्टी, कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा कितना होगा, r होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा, उन सारा डिस्टेंस हमेशा कितना होगा, कांस्टेंट, r के बराबर। डिस्टेंस फार्मूला अगर आप अप्लाई कर दोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल, आया ना। क्लियर है। तो बेसिकली आप कोई भी कर्व, किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालने का यही तरीका होता था, आप उस कर्व पे पॉइंट अज्यूम करते थे लोकस एनी एच कोमा वाई या एक्स कोमा वाई, एच कोमा के या फिर एक्स कोमा वाई, और फिर ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे जो सारे पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट हो। तो सेम वे में मुझे लाइन के लिए भी एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में, एक वेक्टर फॉर्मेट में और एक कार्टेशियन फॉर्मेट में, ठीक है, कि लाइन की इक्वेशन एक वेक्टर फॉर्मेट में कैसी होगी, कार्टेशियन फॉर्मेट में कैसी होगी, वो मुझे लिखना है। क्लियर है। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखने के अगेन कम से कम दो कंडीशन, तो दो कंडीशन आपको जैसे यहाँ पे क्या देंगे, एक अब देखो यूनिक लाइन है, तो एक यूनिक लाइन के लिए कम से कम दो कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन मान लो वो लाइन किसी एक पॉइंट पी एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन से पास कर रही है, ठीक है, आप चाहो तो इसका इसको पोजीशन वेक्टर इसका पता रहेगा मेरे को, ठीक है, मतलब कोई पॉइंट जिससे वो लाइन क्या कर रही, पास कर रही है, ये मुझे पता है, और वो जो लाइन है किसी गिवन वेक्टर की क्या है, पैरेलल है, किसी गिवन वेक्टर की क्या है, पैरेलल, मान लो कोई वेक्टर है जिससे ये लाइन क्या है, पैरेलल, ये वेक्टर जो बी है इसके मुझे वेक्टर फॉर्मेट में पता है ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, तो ये दो कंडीशन मुझे गिवन है, एक ऐसी लाइन जो किसी गिवन पॉइंट से पास कर, अब एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल एक सिंगल लाइन होगी, हाँ है ना। बोलो। यस सर। इस यूनिक लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी, इस यूनिक लाइन की मुझे क्या लिखनी, इक्वेशन, तो मान लो ये पॉइंट ए आपको दिया हुआ है x, y, x1, y1, z1, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स आपको पता हुआ है, ठीक है, एक पैरेलल वेक्टर जिसके ए आई के बी जे के सी के पता है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी, तो अगेन किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे इस कर्व पे कोई ना कोई पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा कहीं पे भी, ठीक है, मान लो कहीं पे भी पॉइंट पी मैंने अज्यूम कर लिया, जनरल पॉइंट अज्यूम करने का एक ही तरीका होता है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, हाँ है ना। बोलो। रिलेशन सेटिस्फाई करना है कि जितने भी सारे पॉइंट पी हैं वो सबके सब उस रिलेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो क्या कंडीशन होगी ये हमें सोचना है, हाँ है ना। आप देखोगे ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट पी है क्या ये लाइन पे लाई कर रहे, yes, sir. ना? अगर इनसे मैं एक वेक्टर बनाऊंगा एपी वेक्टर, क्या बनूंगा एपी वेक्टर, और ये जो मेरा बी वेक्टर है इस लाइन के पैरेलल है, तो एपी वेक्टर और बी वेक्टर क्या आपस में पैरेलल होंगे, यस सर, है ना, जितने भी पॉइंट पी इस लाइन पे होंगे उससे जो बनेगा वेक्टर एपी वेक्टर वो इस बी वेक्टर के हमेशा क्या होगा, पैरेलल, तो क्या सारे पॉइंट पी मेरे सेटिस्फाई करेंगे, हाँ है ना। बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ जब आप मैंने कंडीशन सिखाई थी अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसमें आपस में क्या रिलेशन होता है, आप लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकते हो, हाँ है ना। यस सर। क्लियर है। बस अब एपी वेक्टर, अब जैसे अब वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो मान लो आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप वेक्टर के फॉर्मेट में इसको पहले पहले लिख लेते हैं, मान लो एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आपको इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, ये मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और जनरल पॉइंट को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपन ने मान लिया आर वेक्टर, हाँ है ना। ठीक है, तो एपी वेक्टर कैसे लिखेंगे अपन, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बोलो। यस सर। एपी मतलब पी माइनस ए इक्वल टू लैम्डा बी, और पी वेक्टर आपने क्या अज्यूम कर लिया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो ये फाइनली आपके पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ गई, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। जैसे वहां पे लाइन की इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम वाई माइनस वाई वन टू डी एम, यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ गई, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर
प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इज इट क्लियर? यस सर। आपको क्लियर है, इसको रख लेना ठीक है। यहाँ पे ए वेक्टर क्या है? पासिंग पॉइंट। ए वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है ना। और बी वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या मेरा? पैरेलल पैरेलल है। क्लियर है? R vector equal to A vector plus lambda B vector, तथा A vector is the जहाँ से वो line pass कर रही है, lambda times B vector, वहाँ पे B vector क्या? Parallel vector। तो ये आपकी vector equation of the line है। ये आपकी क्या क्या हो गई? Vector equation of the line। तो vector equation of the line लिखने का तरीका R equal to बोलो क्या है? A plus lambda times B vector। हाँ है ना? Clear है सबको? Yes sir। ठीक yes, है। अब ये होगा आपकी vector equation, अब cartesian equation, मतलब xyz के terms में equation क्या होगी वो मुझे लिखना है। xyz के terms में equation क्या होगी वो लिखना, xi cap plus yj cap plus zk cap है ना। यस सर। ये वेक्टर आपने अज्यूम किया था क्या, x1i cap plus y1j cap plus z1k cap, ये आपने a वेक्टर अज्यूम किया था, प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर आपका था AI के प्लस BJ के प्लस CK के। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ से मुझे रिलेशन डेवलप करना है, तो दोनों तरफ के क्वेश्चन को अगर मैं कंपेयर कर लूँ, देखो यहाँ से X का क्वेश्चन, यहाँ पे I का क्वेश्चन कितना आएगा? X आएगा। यहाँ पे बताओ कितना आएगा I का क्वेश्चन RHS में? X1 plus lambda A। हाँ, X1 plus lambda A, सबको दिख रहा है ये? Yes sir। यहाँ पे Y का क्वेश्चन, यहाँ पे J का क्वेश्चन कितना आएगा? Y। और यहाँ पे J का क्वेश्चन Y1 plus lambda B। वेरी गुड। यहाँ पे भी सेम, z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c, हाँ है ना। दोनों के i j l h s और दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उनके i j k के क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, आपस में कंपेयर कर दिए। अब एक रिलेशन डेवलप करना है, तो यहाँ से तीनों से लैम्डा निकाला, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x माइनस x1 बाई a, हाँ है ना। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y माइनस y1 बाई b। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z माइनस z1 बाई c। क्या दिख रहा है सबको? Yes, sir. ये तीनों लैम्डा को अगर आप आपस में इक्वेट कर दोगे तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c, इट इज नथिंग बट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कांसेप्ट था कि किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है वेक्टर फॉर्मेट में या कार्टेशियन फॉर्मेट में, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, हाँ बोलो अर्चना, क्या डाउट है? सर गलती से हो गया। ओके ओके, ठीक है, किसी को भी डाउट आए अनम्यूट करके पूछ लेना। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, सबसे पहले कि किसी लाइन की इक्वेशन निकालने का बेसिक कंसेप्ट, वेक्टर के फॉर्मेट में r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b और कार्टेशियन फॉर्मेट में x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। ध्यान से देखो, x1 y1 z1 पॉइंट आप ऊपर रखोगे, नीचे क्या है? पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, हाँ है ना। एबीसी क्या है बोलो? डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर एंड x1 y1 z1 आपका क्या है? पॉइंट ऑन द लाइन। ध्यान रखना, x1 y1 z1 क्या है? पॉइंट ऑन लाइन। क्लियर है? यस सर। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप देखो, ध्यान से देखो, x y z के कोएफिशिएंट क्या है बोलो? x y z का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है ना। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x y z का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर है सबको? चलो अच्छा, चलो इसी में मुझे बताओ, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? सर x माइनस x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस x1 बाय a। हां, तो क्या रखूं x एक्सिस में? सर x माइनस x1 अपॉन 1, एक में जीरो रख दो, x माइनस। अब देखो, x एक्सिस आपकी ओरिजिन से तो पास करेगी ना? यस सर। x एक्सिस आपकी कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। तो पॉइंट ऑन द लाइन अपन अज्यूम कर लेंगे ओरिजिन, हां है ना। yes, इसका पैरेलल वेक्टर अज्यूम करते हैं, तो इसका पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? 1, 0, 0। yes, है ना। इसकी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? i कैप, मतलब 1, 0, 0। इस लाइन पर का पॉइंट अज्यूम करना, तो ओरिजिन अज्यूम कर लेंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? x माइनस x1 / a इक्वल टू y माइनस y1 / b इक्वल टू z माइनस z1 / c, हां है ना, इक्वल टू लैम्डा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी सर? y/0, z/0 लिख सकते हैं? हाँ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वो सेंस नहीं बनाता, लेकिन इस तरह से आप लिख सकते हो। क्लियर है? बेसिकली आपके जो बेसिकली x एक्सिस में y कंपोनेंट z कंपोनेंट तो होगा ही नहीं ना, इनफाइनाइट टाइप से होगा, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? x इक्वल टू लैम्डा टाइप से। क्लियर है? यस सर। ठीक है, x एक्सिस की इक्वेशन।
ठीक है, यहाँ पे देखो ये x इक्वल टू लैम्डा या फिर y इक्वल टू जीरो z इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर आपको ये दिया हुआ है y इक्वल टू जीरो z इक्वल टू जीरो, ये कंबाइन ये इसकी इक्वेशन है x एक्सिस की, है ना, ये दो फॉर्मेट में दिया, दोनों को साथ में अगर लिख दिया मतलब x एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है। ओके सर। यस सर। नाउ अगेन सेकंड फॉर्म, जैसे अपन स्ट्रेट लाइन में अलग अलग फॉर्म पढ़ते हैं, एक और बस सेकंड फॉर्म रहता है कि अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास कर दे तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। इस बार पैरेलल वेक्टर नहीं देंगे, दो पॉइंट दे देंगे, ठीक है। पिछली बार दो क्या क्या दो कंडीशन थी, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। इस बार आपको दो पॉइंट दे, एक पॉइंट मान लो एक्स वन वाई वन जेड वन और दूसरा पॉइंट मान लो एक्स टू वाई टू जेड टू, ये दो पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स पड़े हुए हैं और पूछा इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो अगेन लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, आप एक पॉइंट अज्यूम कर लो जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है ना। यस सर। यस सर। ऐसी कंडीशन जो सब पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई करे, तो इस लाइन पे जो वेक्टर है एपी वेक्टर और इस लाइन पे जो एक और वेक्टर है एबी वेक्टर, तो ये तो हमेशा लाइन पे लाई करेंगे तो हमेशा पैरेलल होंगे, है ना। यस सर। तो अगेन एपी वेक्टर को आप लिख सकते हो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एबी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। एबी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, वेयर एबीसी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एपी एंड पी वेक्टर। तो आर वेक्टर की फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस लैम्डा, देखो पिछली बार पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर था, इस बार पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। बोलो पैरेलल, बस कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस पैरेलल वेक्टर की जगह क्या लिख दोगे, बी माइनस ए, हाँ है ना। यस सर। आपको इस बार पैरेलल वेक्टर दिया नहीं, तो आप इसी को ए बी वेक्टर को ही पैरेलल वेक्टर क्या कर लोगे, अज्यूम कर लोगे। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स वन, अब पैरेलल वेक्टर की जगह क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन, बी की जगह क्या आ जाएगा ये, है ना। फिर वाई माइनस वाई वन अपॉन पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन और पैरेलल वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है चलो इसको ट्राई करो जल्दी से। कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, वेक्टर इक्वेशन लिख लो, एक मिनट। सर हो गया, एक मिनट। हाँ ठीक, सर हाँ सॉरी बेटा, ठीक है एक मिनट। हाँ एक्चुअली ये दिवाली ना गेस्ट आए हो, एक सेकेंड। हाँ सॉरी यार, अच्छा तुम्हारे दिवाली पे गेस्ट वगैरह आते हैं क्या घर पे? हाँ सर आते हैं, क्या बताएं। यस सर आते हैं, वही चलवा लाएंगे, मीठे मीठे खाना आते हैं ना, नाश्ता करना। चलो वाह, ये तो देखो हो जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो लाइन पे जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है लाइन पे बता दो, बोलो इस लाइन पे पॉइंट क्या होगा, थ्री कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा थ्री है ना, एक्स माइनस एक्स वन y minus y1 z minus z1 है ना। yes, x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, 3 minus 1 3, ये सबको पहचानना आता है, इसमें किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, एनीवन। नो सर क्लियर। पैरेलल वेक्टर का क्या हो जाएगा, बोलो 2 3 minus 2 क्या, minus 2 क्या, plus 3 क्या। हां वेरी गुड, ठीक
तो अब बस आप लिख लोगे r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी है ना? यस सर। ठीक है, r वेक्टर आपका, r वेक्टर आपको पता ही है, a वेक्टर पता है, ये आपका a वेक्टर हो जाएगा, ये आपका b वेक्टर हो जाएगा, कर लोगे? यस सर। लैम्डा की जगह लैम्डा ही रहेगा। चलो ये क्वेश्चन रहेगा, ये अच्छा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्मेट गिवन है। क्या है? अनसिमेट्रिकल फॉर्मेट। तो सबसे पहले इसको प्रॉपरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6x माइनस 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 2z माइनस 2। कैसे कन्वर्ट करें सर? x वाले से 6 कॉमन ले लेते हैं, मतलब x वाले को 6 से डिवाइड कर देते हैं। वेरी गुड। सबसे पहले की कोएफिशिएंट आप क्या बना दोगे? 1। x y z का कोएफिशिएंट क्या बना दोगे? 1। तो ये कोई ना कोई बेसिकली सब आपस में इक्वल है, तो किसी ने कांस्टेंट से डिवाइड कर, पहली इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये ऐसा कुछ आ जाएगा 1/6 है ना, या फिर ऊपर से 6 कॉमन लेके नीचे आप 1/6 लिख सकते हो, है ना? यस सर। ऐसा सोचो, ऊपर से मान लो आपने 6 क्या ले लिया कॉमन, और नीचे इसको कैसे भेज दोगे? 1/6। आ रहा है समझ में? यस सर। या फिर ऊपर समझ आ रहा है, यहां से भी 3 कॉमन ले लोगे तो कितना बनेगा? y plus 1/3 upon 1/3। यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो z minus 1 upon 1/2। ये दिख रहा है सबको? यस सर। तो लाइन पे पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑन द लाइन minus 1/3 डायरेक्शन रेशियोस क्या हो जाएंगे? 1/6, 1/3 और 1/2। अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, हाँ है ना? ये भी लिख सकते, ये दोनों सही है, क्लियर है? यस सर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर भी पता है, पॉइंट पॉइंट ऑन द लाइन भी पता है, तो अगेन वेक्टर इक्वेशन लिख लोगे r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, हाँ है ना? यस सर। ये कर लोगे ना आप लोग? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट उस पोजीशन वेक्टर r दिस एंड द इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अच्छा, ये तो आसान है, पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, हाँ है ना? वेक्टर इक्वेशन डायरेक्शन इक्वेशन, ठीक है। Find the equation of the line passing through A, B. ये भी कर लोगे? Point पता है? Parallel vector कैसे निकालोगे? Sir, एक coordinate उसके minus करके। B में से A को minus कर देना तो parallel vector आ जाएगा। Clear है? Yes, sir. ठीक है। Find the vector equation of the line passing through this and parallel to the line. इसकी equation. तो line की equation जो इस line के parallel है, तो इस point से parallel vector पता कर लेंगे। हाँ, parallel vector क्या हो जाएगा? बोलो। 2 2 2 7 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
बोलो इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो पॉइंट पता है लाइन का आया ना 2, 3, 4, तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? अगर तीनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे सर? a, a, a मतलब 1, 1, 1 है ना, अननोन थोड़ी लेंगे। बोलो डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहा हूँ ना मैं, आ रहा है समझ में आपको? देखो लाइन पे पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर क्या बोला गया? इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, अगर तीनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। यस सर, समझ में आ रहा है ना? इक्वल इंटरसेप्ट मतलब वैल्यू क्या है? सेम, तो a अपॉन उनका मैग्नीट्यूड, b अपॉन मैग्नीट्यूड, c अपॉन मैग्नीट्यूड, सब क्या होंगे? इक्वल। पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z बाय c, हां है ना? यस
देखो जिसको डाउट है पूछ लेना है ना। एक बार मुझे बता दो यही वाला क्वेश्चन, आखिर 1, 1 क्यों, क्योंकि अगर एक लाइन क्या बोला गया इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब उसका मान लो एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है और जेड इंटरसेप्ट सी है, ये तीनों क्या है इक्वल है, क्लियर है? डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर है? डायरेक्शन रेशियोज आप कुछ भी ले लो, 1, 1, 2, 2, सारे डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ना। जैसे अपन एक्सिस के केस में भी अगर मान लो लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती थे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, है ना, क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में? नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। तो सबसे पहले अपन एक किसी एक का कर लेते हैं, ये लाइन एक्स वाई प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट पता करना। कोऑर्डिनेट बताओ मुझे क्या आएगा, तरीका नहीं बताओ, -2, 0। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्स वाई प्लेन में क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 है ना, हर जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू अगर आप 0 से इक्वेट कर दोगे तो एक्स माइनस इक्वल टू वाई प्लस 2 by -1 इक्वल टू 0/1। तो यहाँ से 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, सर 1 आएगी, 1 आ जाएगी, सॉरी। तो आपका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 - 2, 0, क्या बात समझ में आ रही है? सारे बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए अपन फास्ट फास्ट कर रहे हैं, कर लोगे ना घर पे ट्राई? Yes, sir. अब देखो एक और, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अच्छा ये एक और होती है सिमेट्रिकल फॉर्म। आपको एक लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन है, आपको इसको वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, फिर कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है। लाइन की इक्वेशन आपको किस तरह से गिवन है देखो ध्यान से, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 4। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इसको करने के दो तरीके होते हैं, इसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्मेट ऑफ लाइन, क्या बोलते हैं इसको बोलो, सिमेट्रिकल फॉर्मेट, ये फॉर्मेट ऑफ लाइन। अब इससे आपको लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी, मतलब इस फॉर्मेट में x - x1 / a, y - y1 / b, इस तरह से आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है। तो बेसिकली अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, ये जो इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये प्लेन की, ये किसकी इक्वेशन होती है, प्लेन की। अभी खैर आपने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि भाई ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन की, ax + by + cz प्लस डी इक्वल टू 0, इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्लियर है सबको, ये याद रखना, आया ना? यस सर। ठीक है, जैसे आप बोलते थे ना ax + by इक्वल टू c, ax + by + c इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन होती थी 2 डायमेंशन में, लाइन की। सिमिलरली ax + by + cz + d इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, प्लेन की, क्या ये बात समझ में आती है, आया ना? यस सर। यहां पे आपको बेसिकली दो प्लेन गिवन है, अब इन दो प्लेन की मदद से लाइन कैसे बनेगी वो सोचना है। तो बेसिकली क्या है, ये दोनों प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी लाइन की आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन। एक प्लेन आपका ब्लू वाला है मान लो, दूसरा प्लेन रेड वाला, दोनों प्लेन की आपको क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है, क्लियर है? और तो आपकी जो गिवन लाइन है वो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या लोगे, मतलब आपकी जो लाइन है वो ये है, ये जो आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है वो ये वाली लाइन है। तो आपको इस लाइन की क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी, इस लाइन की क्या लिखनी, इक्वेशन। तो कभी भी अगर इस फॉर्मेट में दे आपको, इस फॉर्मेट में कि दो प्लेन के टर्म्स में देते और पूछा है कि लाइन की इक्वेशन निकालो, तो बेसिकली क्या है, उन दोनों प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी लाइन के अलोंग आपका क्या होगा, लाइन होगा, समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना वो देखना। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक इस पे कोई सर दोबारा बता दो एक बार। ठीक है, ये यहां पे आपको देखो, ये जो इक्वेशन गिवन है ये सिमेट्रिकल फॉर्मेट में गिवन है। किस फॉर्मेट में गिवन है, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको बेसिकली दो प्लेन दिए हुए, क्या दिए हुए, दो प्लेन, और बोला गया ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। क्या बोला गया, ये कंप्लीट, ये जो पूरी के पूरी है, किसकी इक्वेशन गिवन है, बोलो, लाइन की इक्वेशन। लेकिन लाइन की इक्वेशन में दो पार्ट में डिवाइडेड है, लाइन की इक्वेशन में दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ये प्लेन 1 और ये प्लेन 2, आया ना? ये जो इक्वेशन आपको गिवन है किसकी इक्वेशन है, दो प्लेन की, एक एक वन प्लेन और प्लेन 2। तो ये दोनों मिला के कैसे लाइन बना रहे, बेसिकली दो, ये दोनों प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, कभी भी दो प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना? यस सर। तो वो जो जिस, ये जो दो प्लेन है जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी लाइन की इक्वेशन आपको इस पूरे फॉर्मेट में गिवन है। बेसिकली इस इकट्ठी जो गिवन है ना, ये इसी लाइन की इक्वेशन है। किस लाइन की इक्वेशन, वो लाइन जो दोनों प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर।
लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए वो सोचना है। तो इसको निकालने एक मिनट रुको, बिना प्लेन के कॉन्सेप्ट से भी आप इसको कर सकते हो, और दो तरीके हैं इसको, दोनों तरीके ध्यान सुनना। पहला तरीका क्या है कि अभी अपन ने सीखा लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी तो मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, हाँ है ना। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। अच्छा, पर उसके लिए फिर आपको नॉर्मल वेक्टर भी चाहिएगा। एक काम करो, बिना प्लेन की करना पड़ेगा क्योंकि आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है। एक और तरीका अपनाते हैं, रुको सुनना ध्यान से। अगर लास्ट में जब ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं आपको जब प्लेन का हल्का सा बेसिक पढ़ूंगा ना, तब इसको तरीका सिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे है ना प्लेन का नॉर्मल का भी यूज होगा और आपको फिर नॉर्मल भी पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो अभी अपन मेथड वन देख रहे हैं, मुझे एक बार याद दिला देना, प्लेन के बाद आपको मेथड टू भी सिखा दूंगा, वो थोड़ी ज्यादा आसान मेथड है, क्लियर है, ठीक है। बिना प्लेन की मदद से कैसे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना वो सोचते हैं। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है आपके पास, एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू थ्री, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, 2x plus 3y plus z plus 4 equal to 0 तो equal to minus 4, हाँ है ना, clear है यहाँ तक, बोलो। Yes sir। अब मुझे कैसे भी करके x y z में एक तरह का रेशियो या एक रिलेशन डेवलप करना है इस तरह से, ताकि उनका x minus x1 by a, y minus y1 by b और z minus z1 by c, ये जो रेशियो तीनों आपस में कैसे हो इक्वल, इस तरह का एक रिलेशन डेवलप करना इन दो इक्वेशन की मदद से, ठीक है। इन दो इक्वेशन की मदद से मुझे एक इस तरह से रिलेशन डेवलप करना है सच दैट वो इस फॉर्मेट में दिखे, इस फॉर्मेट में देखिए, ताकि ये वैल्यू तीनों की क्या है, इक्वल है। तो कैसे करें, अब बताओ आप क्या तरीका अपना है, बोलो। देखो क्या तरीका अपना सकते हैं, मान लो अपन किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, तो यहाँ पे किसको एलिमिनेट करना आसान है, तो मान लो इन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो दो ही इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन से मुझे एक्स वाई जेड में एक रिलेशन डेवलप करना इस फॉर्मेट में। आपको आपको पता तो चल रहा है करना क्या है, क्वेश्चन का मतलब। यस सर। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है सिमेट्रिकल फॉर्मेट में, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये काम करना है, हाँ है ना। Yes, बोलो। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों मानो इन दोनों को ऐड कर दे, अगर ऐड कर देंगे तो क्या रिलेशन आ जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सोचूं x निकालना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4y अपॉन 3, माइनस का 4y माइनस का 1 अपॉन 3, आया ना, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको बेसिकली x आ गया मेरे पास इस तरह से, x इक्वल टू माइनस 4y माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप मान लो किसी लैम्डा से इक्वेट कर देते हैं, क्या कर दें, लैम्डा से इक्वेट, आया ना, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो x को अपन ने लैम्डा अज्यूम कर लिया, y भी लैम्डा के टर्म्स में आ सकता है, यस सर आ सकता है ना। देखो अपन ने यहां पे क्या कहा, सबसे पहले दोनों को सब्सट्रैक्ट करके एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया, तो z को एलिमिनेट कर दिया तो x और y में एक रिलेशन आ गया x इक्वल टू दिस, और इन तीनों को कोई ना कोई वैल्यू होगी इन दोनों की, तो उसको लैम्डा से इक्वेट कर दिया। तो मान लो x को अपन ने लैम्डा अज्यूम कर लिया, तो y कितना आ जाएगा, बोलो, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन माइनस 4, आया ना। Yes, sir। अब z कैसे निकाले लैम्डा के टर्म्स में, सर किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं y और x लैम्डा के टर्म्स, किसी अब देखो x और y की इक्वेशन मेरे पास आ गई तो किसी एक में पुट अप कर दो, मान लो यहाँ पे पुट अप कर दिया, तो यहाँ पे अपन अगर पुट अप कर दे x plus y minus z equal to 3, तो यहाँ से मेरे पास z आना चाहिए, तो z कैसे निकालेंगे, देखो लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन माइनस 4, ये माइनस 3 इधर आ जाएगा इक्वल टू z। अब यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, z का कोऑर्डिनेट, देखो ध्यान से कितना आ रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं, एलिमिनेट करने के बाद लैम्डा के संग पुट कर दी क्या z की वैल्यू, एलिमिनेट करा मैंने, एलिमिनेट करके किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख दिया, तो x की वैल्यू ये आ गई, अभी कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, उसको मैंने लैम्डा से इक्वेट कर दिया, हाँ है ना। ओके सर, y कैसे निकाला है, x और y को अपने लैम्डा के, y इसी से निकाल लिया ना, यहाँ से इसको लैम्डा से इक्वेट करोगे तो यहाँ से y आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन माइनस 4, हाँ है ना। ओके सर, ठीक है। x आप ऐसा सोचो, आपने x की जगह लैम्डा अज्यूम कर लिया, तो x की जगह लैम्डा रख दोगे तो y आ जाएगा। अब यहां से z निकालो, z कितना आ रहा है बताओ सर, लैम्डा माइनस लैम्डा और फिर माइनस का 12 नहीं अपॉन माइनस सर लैम्डा माइनस 13 अपॉन 4 लैम्डा ठीक है माइनस लैम्डा माइनस 13 अपॉन माइनस का 4 है ना, माइनस लैम्डा प्लस 13 अपॉन माइनस 4, तो z कितना आ जाएगा, लैम्डा माइनस 13 अपॉन 4, क्लियर है।
बोलो अब कैसे इक्वेशन लिखे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये एक्स आ गया वाई आ गया जेड आ गया, सर लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते ना। हाँ, तीनों से अब लैम्डा की वैल्यू, जैसे लैम्डा फर्स्ट, अब तीनों के लैम्डा को इक्वेट कर देते हैं, तो फर्स्ट वाले से तो क्या रहा, सिर्फ एक्स आ रहा है लैम्डा, हाँ है ना। यस सर। एक्स को कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस जीरो अपॉन वन, हाँ है ना। एक्स को लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स माइनस जीरो अपॉन वन, क्लियर है, आ रहा है समझ में। आपके पास एक्स वाई जेड आ गया लैम्डा के टर्म्स में, एक्स वाई जेड आपके पास किसके टर्म्स में आ गया लैम्डा, अब तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि आपकी इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। नहीं आ रहा समझ में, आगे समझ में। तो फर्स्ट वाले से लैम्डा क्या आ रहा है, एक्स, तो लैम्डा बेसिकली एक्स है, तो उसको क्या लिखोगे, एक्स माइनस जीरो अपॉन वन, ये आपका लैम्डा के बराबर है। यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, ये माइनस फोर उधर चल जाएगा, तो माइनस फोर वाई माइनस वन है ना, और यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, फोर जेड प्लस थर्टीन, 4z plus 13 upon कुछ भी नहीं है, मतलब 1 equal to lambda, तीनों lambda को अपन equate, अब standard format में convert कर देंगे, तो x minus 0 upon 1, यहाँ पे क्या करोगे, minus 4 से ऊपर common लेके नीचे divide कर दोगे, है ना? Yes. बोलो। और यहाँ पे 4 से ऊपर से common लेके नीचे divide कर दोगे, ये आपकी equation आ गई। अब क्या मुझे ये बता सकते हो इस लाइन का पे point और position vector, parallel vector, हाँ है ना? सर पॉइंट 0 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 3 निकाल लेना, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर भी आ जाएगा। तो करने का तरीका क्या था, दोनों इक्वेशन को लिखो, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, उसमें फिर किसी एक एक्स को लैम्डा मान लेना, एक्स को क्या मान लेना, लैम्डा, वाई लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा, फिर वो एक्स और वाई की इक्वेशन वापस किसी एक में रख के जेड भी लैम्डा के टर्म्स में निकालना। तो बेसिकली टारगेट क्या है, एक्स को लैम्डा माना, वाई भी लैम्डा के टर्म्स में निकाले, जेड भी लैम्डा के टर्म्स में निकाला, वापस से फिर तीनों का लैम्डा को इक्वेट कर दिया, तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई, हां है ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। तो अगेन वापस वही दो, हमेशा एक ही चीज बोलूंगा मैं, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, 0, -1, अब इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कैसे निकालेंगे ये सोचो। जो मेरी लाइन है वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, जो मेरी गिवन लाइन है वो इन दो लाइन, मान लो एक लाइन है L1 सर, एक क्रॉस कर देते हैं सर, दूसरी लाइन है मान लो L2, लाइन है इस बार, वेक्टर थोड़ी है, दो दो लाइन है आपके पास, और आपकी जो गिवन लाइन है वो इन दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आपको निकालना, कैसे निकालें सर, A2 माइनस A1 या फिर B2 माइनस, पैरेलल वेक्टर निकालना है सर, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर, नहीं सर L1 है सर, इनके वेक्टर्स का मतलब वेक्टर किस वेक्टर का करोगे, जो लैम्डा वाले वेक्टर है ना, उन दोनों को इक्वेशन लैम्डा वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर ना। यस सर। लाइन L1 का पैरेलल वेक्टर है मान लो B1 वेक्टर, लाइन L2 का पैरेलल वेक्टर है मान लो B2 वेक्टर, हां है ना, ये आपने बोल दिया B1 वेक्टर लाइन L1 का पैरेलल वेक्टर, और ये B2 वेक्टर देयर इज पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन L2। अब ये B वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये डायरेक्शन इसकी माइनस B1, B कैसे निकालोगे बोलो, B2 माइनस B1, नहीं 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 माइनस थोड़ी, क्रॉस कर देंगे ना, B1 क्रॉस B2, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2, हाँ है ना। ठीक है, तो कभी भी देखो पॉइंट पता था, पैरेलल वेक्टर निकाला कैसे, अब वो गिवन लाइन मेरी दो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो उनका पैरेलल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी, तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे ऐसा वेक्टर मिलेगा जो गिवन लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए क्या कर दोगे, B1 क्रॉस B2, हाँ है ना। यस सर। आ रहा है। यस सर। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, एक इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट जो कि इस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पे हो। तो हम देखो 3D हो, 2D हो, कुछ भी हो, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन डायग्राम, रफ डायग्राम हमेशा बना लिया करो। एक लाइन है, बोला गया है इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताओ जो किसी गिवन पॉइंट से किसी डिस्टेंस 4√14 पे है, और वो जो गिवन पॉइंट है मान लो वो M है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट आपके 1, -1 और 0। तो बेसिकली इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपको पता करना है, और आपके पास लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन मतलब क्या क्या है, लाइन पे पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, हाँ है ना।
अच्छा अब यहाँ पे एक चीज ये सीखनी है, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट मुझे अज्यूम करना है तो पॉइंट कैसे अज्यूम करेंगे? लाइन पे कोई पॉइंट अज्यूम अगर करना है मुझे, ये लाइन की इक्वेशन मेरे पास गिवन है, इस लाइन पे अगर मुझे कोई पॉइंट अज्यूम करना है एक्स वाई जेड के टर्म्स में, मतलब बेसिकली एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट अज्यूम करना, तो कैसे करोगे? 2z+1, -3z-1 क्या करना, हमेशा ध्यान सुनना, इसको मान लो लैम्डा से इक्वेट कर दो, ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा लैम्डा, है ना, ये सारे रेशो कोई ना कोई वैल्यू होगी, बोलो समझ आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, लाइन पर पॉइंट अज्यूम करने का तरीका, हाँ बोलो, क्या कोई डाउट है किसी को? यहाँ से बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -2λ+1 वाई कोऑर्डिनेट -3λ-1 और जेड कोऑर्डिनेट लैम्डा ना, जेड तो लैम्डा ही है ना, आ रहा है समझ में? अरे जेड तो लैम्डा ही तो है, ये रे नहीं आ रहा समझ में? अब ये जो किसी भी लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का यही एक तरीका है, सबसे बेस्ट। अब ये पॉइंट आपका आ जाएगा, मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, 2λ+1, -3λ-1, λ, हाँ है ना? अब लैम्डा कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का, ये डिस्टेंस दिया आपके पास, ये जो पीएम डिस्टेंस है ये आपके पास कितना गिवन है, 4√14, हाँ है ना? यस सर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, क्लियर है? और अब फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, लैम्डा आ जाएगा यहाँ से, यस सर। लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें रखोगे तो आपके पास पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका, आप उसको लैम्डा से इक्वेट कर दो, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में आ जाएंगे, हाँ है ना? यस सर। अच्छा जैसे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इस लाइन पे कोई पॉइंट लेना है, पॉइंट ऑन द लाइन, तो बताओ क्या आएगा? 2λ+1, -λ-2, -λ, क्लियर है, हाँ है ना? कर लोगे सर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है कि दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालें। मान लो एक लाइन ये रही L1, दूसरी लाइन ये रही मान लो L2, अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, तो एक लाइन है मान लो L1, दूसरी लाइन L2, तो कैसे निकालेंगे एंगल? सर दोनों के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं। दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा, इट इज द सेम एज द एंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि इनके जो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल होगा वही एंगल तो इनके लाइंस के बीच में एंगल होगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो मान लो ये वाला पैरेलल वेक्टर आपका B1 वेक्टर है, इसका पैरेलल वेक्टर आपका B2 वेक्टर है, इन दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल होगा आपका लाइन के बीच में एंगल, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट क्या फॉर्मूला था? cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लो, फर्स्ट वाला करो जल्दी से। सर कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है, देखो दो वेक्टर गिवन है तो कभी भी अगर लाइन पैरेलल वेक्टर निकालो, पहले का पैरेलल वेक्टर बताओ क्या हो जाएगा? i+2j+2k। पहचान आता है ना, जो भी कांस्टेंट लैम्डा के साथ लिखा होगा वो आपका पैरेलल वेक्टर होता है, हां है ना? यस सर। पहचान आता है पैरेलल वेक्टर, हां है ना? यस सर। तो ये आपके पैरेलल वेक्टर हो गए, अब इसके बीच में एंगल निकालने का अगेन फार्मूला b1.b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 * मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, तब दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा a1a2+b1b2+c1c2, हां है ना? आ रहा है समझ में? यस सर। आ जाएगा 3+4+12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 3। दूसरे का 7। 7
ठीक है, आ जाएगा आंसर, क्लियर है? यस सर। ठीक है, सेकंड पार्ट में बताओ पैरेलल वेक्टर क्या है फर्स्ट का? 3, 5, 4, अप्लाई कर रहे तो मान लो बी वन के कोऑर्डिनेट्स आपके फॉर एग्जांपल ए वन ए टू ए थ्री, बी टू के कोऑर्डिनेट से मान लो बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, हाँ है ना? Yes, sir. अपन उनका मैग्नीट्यूड, उनका क्या आएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो कॉस जीरो कॉस नाइनटी कितना होगा? जीरो। बेसिकली ये जीरो से इक्वेट हो जाएगा, तो यहाँ से कंडीशन क्या है, अगर ए वन ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, और अगर मैं बोलूं लाइंस पैरेलल है तो परपेंडिकुलर हुए तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री क्या होगा, जीरो होगा, क्या बात समझ में आती है? लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो? जीरो के बराबर। और पैरेलल होगा तो उनके रेशियोस आपस में क्या होंगे, इक्वल, आया ना? यस सर। ये बात समझ में आती है सबको? ठीक है, ओके ग्रेट। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेसिकली इसको अपन कॉन्सेप्ट जो है इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, एक ही क्वेश्चन में जो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मान लो एक लाइन की इक्वेशन आपको दे देंगे, एक पॉइंट पॉइंट दे देंगे आपको, किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो ये पॉइंट पी आपको पता हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है, जेड कोऑर्डिनेट पता है, लाइन की इक्वेशन आपको पता है, सबसे पहले ये पूछेंगे कि इस पे जो परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉप किया था, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये कितना होगा। दूसरा एक और क्वेश्चन ये आता है कि इस पॉइंट का, इस लाइन के अबाउट इमेज निकालो, क्या निकालो, इमेज, तो ये इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये दो चीजें के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनको अपन क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन समझ लो, फिर आपको घर अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे। क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए, ए का कोऑर्डिनेट दैट इज गिवन इज 1, 0, 3 टू द जॉइनिंग पॉइंट, ऐसी लाइन जो बी और सी से पास कर रही है, बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4, 7, 1 और सी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3, 5, 3। तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या पूछा है कि अगर इस लाइन से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो इस पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा मान लो डी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछा है। अच्छा, एक बार का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस भी निकल जाएगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, अगर पूछा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, तो अगर आपने डी निकाले तो डिस्टेंस भी निकल जाएगा, तो अब डी कैसे निकाले ये सोचना है, कैसे निकाले सर, स्लोप वाला फार्मूला m1 m2 सर, अगर हम यहां पे सर रेशियो में निकालें तो सर, अगर हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करें ए बी सी और उसके बाद ये लाइन की इक्वेशन बनाएं और वहां से ए बी सी की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में निकाल लें, फिर एक वेक्टर बनाएं बी सी और एक वेक्टर बनाएं ए डी, उनका डॉट प्रोडक्ट करें, वो जीरो के इक्वल रख दें, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ये कर सकते हो आप कि बेसिकली आप यहाँ पे अगर देखोगे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर के इनके जो पैरेलल वेक्टर होंगे उनके बीच में एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना? यस। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे बीसी वाली लाइन और जो एडी वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली दो लाइंस के बीच में तो आप 90 डिग्री नहीं कर सकते हो, लेकिन उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में 90 डिग्री कर सकते हो, हाँ है ना? तो बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि जो लाइन एडी है वो मेरी गिवन लाइन बीसी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनके जो पैरेलल वेक्टर होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, है ना? यस सर। दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम क्या इक्वेट कर सकते हैं, जीरो। आती बात समझ में? ये इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अपन इस पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके लिए मुझे पॉइंट डी अज्यूम करना पड़ेगा। अभी लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का अभी अपन ने तरीका सीखा, तो सबसे पहले अपन लाइन की क्या लिख देते हैं, इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, लाइन बीसी की अगर इक्वेशन लिखनी है तो अभी तरीका बताया था, बोलो इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस कोई भी पॉइंट ले लेते 4 बाय ए, पैरेलल वेक्टर बताओ -1। दोनों को माइनस कर दोगे ना, बी और सी के कोऑर्डिनेट को, आ रहा है समझ में? यस। वाई माइनस
7 upon 5 minus 7 equal to z minus 3 upon, sorry, z minus 1 upon 3 minus 1. 3 minus 1. ठीक है, तो इस लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना है, तो डी पॉइंट क्या होगा बताओ, देखो ध्यान से, ये माइनस वन हो जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस लैम्डा प्लस 4 है ना, यस, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, और जेड कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये 2 बनेगा, तो 2 लैम्डा प्लस 1, ये बात सबको दिख रही है, बोलो, यस सर, ठीक है, तो ये डी आ गया, ये आपका वेक्टर क्या आ गया, डी वेक्टर, सॉरी डी पॉइंट आ गया, ये क्या आ गया, डी वेक्टर, तो अच्छा अपन वेक्टर के टर्म्स में एडी चाहो तो एडी लिख लो, एडी और बीसी, तो मुझे बताओ क्या आप AD वेक्टर बता सकते हो? Yes sir. हाँ, AD वेक्टर कैसे निकालेंगे अपन? D minus A. Yes sir. ठीक है, D के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, ये D के कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो D में से A को क्या कर देंगे? माइनस, तो उसके AD के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, है ना? Yes sir. तो D में से A को अगर माइनस कर दो, इस D में से A को अगर अपन माइनस कर देंगे, देखो दिस माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस 3, है ना? Yes sir. इस माइनस जीरो माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 और दिस माइनस 3, तो 2 लैम्डा माइनस 1, क्या बात समझ में आ रही है? ये AD के डायरेक्शन रेशियो आते हैं, और BC के भी ऐसे निकाल सकते हैं अपन, सर 2 लैम्डा माइनस 2 आएगा लास्ट वाले में, 2 लैम्डा माइनस 2, ठीक है, BC के भी ऐसे निकाल, माइनस B है ना, BC में से क्या निकाल, C माइनस B कर दो, BC के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, माइनस 1 कॉमा क्या होगा, माइनस 2, 2 कॉमा माइनस प्लस 2, हां है ना? यस सर, ये BC कोऑर्डिनेट, अब क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो से इक्वेट कर देंगे, यस सर, वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, वहां से मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा, क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, सब लोग ध्यान से देखो, आप ही सिखा रहा हूं, मुझे बेसिकली एक लाइन गिवन थी जिस पे दो पॉइंट पता थे, तो सबसे पहले मैंने उस लाइन की इक्वेशन लिख दी, सबसे पहले मैंने क्या लिया, इस लाइन पे इक्वेशन, अब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये उसी लाइन पे लाई करेगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम कर लिया, अभी आपको मैंने सिखाया था कि किसी भी लाइन पे अगर पॉइंट अज्यूम करना तो कैसे अपन करते, तो पहले लाइन की इक्वेशन लिखी, स्टेप वन, स्टेप वन क्या करा, लाइन की इक्वेशन लिखी, स्टेप टू उस लाइन पे पॉइंट अज्यूम करा लैम्डा के टर्म्स में, इसके बाद ये जो एडी वेक्टर होगा और ये जो बीसी वेक्टर होगा ये आपस में 90 डिग्री है, तो आपस में 90 डिग्री, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बोलो, जीरो, हां है ना? यस सर, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 है ना, तो जब आप करोगे देखो ध्यान से, माइनस लैम्डा प्लस 3 a1 a2 a2 कितना है, माइनस 1 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, तो क्या यहां से आपके पास लैम्डा का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्या क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, ये लैम्डा की वैल्यू अगर आप वापस से इसके अंदर रखोगे, कहां गया वो पॉइंट, ये रहा, यहाँ पे रखोगे तो यहाँ आपके पास डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब आपका फुट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फुट, अगर आप डिस्टेंस भी पूछा तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे, हाँ है ना? यस सर, इसको ध्यान से देख लो, किसी बच्चे को भी कोई भी स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछ लो, एनीवन, सर जो लाइन इक्वेशन निकाली बीसी में, सो पैरेलल वेक्टर कैसे मान लो? हाँ, बेसिकली बीसी वेक्टर को ही मान लिया ना अपन, बी और सी का कोई एक वेक्टर होगा, बीसी वेक्टर है ना, दो पॉइंट का वेक्टर अपन कैसे मान लो, ये मेरे पास ऐसा कुछ है, दो पॉइंट से पास होने वाले वेक्टर अपन कैसे अज्यूम करते हैं, मान लो पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, तो ये ए बी वेक्टर कैसे लिखते हो आप, बी माइनस ए वेक्टर, आया ना? यस सर, तो यहाँ पे पॉइंट बी था और पॉइंट सी था, तो इस बी सी वेक्टर अज्यूम कर लिया, और एक वेक्टर कौन सा अज्यूम कर लिया, ए डी वेक्टर या फिर डी ए वेक्टर, क्लियर है? सर बी सी का पैरेलल कौन सा माना है? पैरेलल नहीं माना, बी और सी को ही वेक्टर मान लिया, तो आप चाहो तो वो पैरेलल वेक्टर भी उसको बोल सकते हो, पैरेलल नहीं माना एक्चुअली, बी सी वेक्टर ही कंसीडर कर लिया, क्लियर है? सर एडी और बीसी निकालने के बाद क्या किया, एक मिनट समझा दो, एडी एडी और बीसी निकाला, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो से इक्वेट कर दिया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे इक्वेट कर दिया, जीरो से, आप एडी वेक्टर निकाल लोगे, बीसी वेक्टर निकाल लोगे, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे इक्वेट कर दोगे, जीरो से, ओके सर, पूछ लो एनीवन, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वापस पूछ लो, सर ये नहीं समझ आ रहा बीसी की इक्वेशन कैसे बनी, इक्वेशन नहीं लिखी, बीसी वेक्टर लिखा अपन ने, अच्छा लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली, लाइन की इक्वेशन टू पॉइंट फॉर्मेट में, कि भाई अगर मेरे पास लाइन दो पॉइंट्स अगर पास कर रही है, तो पॉइंट तो मेरे पास पता ही है, पैरेलल वेक्टर क्या ले लोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और पॉइंट कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लोगे, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 बाय दिस, y माइनस y1 बाय दिस, z माइनस z1 बाय दिस, तो ये लाइन की क्या आ जाएगी, इक्वेशन, ठीक है? यस सर, ठीक है सर, वो सिमेट्री का एक और मेथड बता रहे थे आप, कौन सा,
नहीं, परपेंडिकुलर में तो यही तरीका है। एक और मैंने ये बोला था, एक और जो इस पे वैरायटी बनती है कि इसकी इमेज निकालना, वो भी आपको सिखाऊंगा इमेज कैसे निकालना है। यहां तक समझ आया क्या? यस यस ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते, देखो ध्यान से, जिसको समझ में आ गया है वो सॉल्व करके आंसर निकालो, और जिसको समझ में नहीं आया वापस एक बार समझो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को आप हमेशा कभी भी इक्वेशन गिवन है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। जिसको नहीं समझ में आया वापस एक बार समझ लेना अच्छे से, और जिसको आ गया वो प्रॉपरली इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी गिवन है मेरे पास, 4 - x / 2 = y / 6 = 1 - z / 3। जिसको आ गया वो क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और जिसको नहीं आया प्लीज ध्यान समझना इस चीज को, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या फिर ऊपर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस कॉमन लोगे तो ऐसा बनेगा x - 4 - 2। यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं दिया तो -0 अज्यूम कर सकते हो अपॉन 6, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लोगे तो z - 1 - नीचे दे देंगे -3। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी लाइन की। ये सबको दिख रही है ना? Yes, sir. बोलो ठीक है। अब ये लाइन की इक्वेशन मेरे पास आ गई, तो ये लाइन है मेरे पास, इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है। अब सर आपने दूसरे स्टेप में क्या किया? मैंने इसको कुछ नहीं किया, इसको स्टैंडर्ड एक्स वाई जे भी कोएफिशिएंट 1 बनाए, तो ऊपर से माइनस कॉमन लिया नीचे भेज दिया। ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x - 4, और नीचे भेजोगे तो -2। यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो y - 0 / 6, यहाँ से माइनस कॉमन लिया नीचे भेज दिया ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे अपन ने लाइन की इक्वेशन निकाल ली है, अब इस लाइन पे पॉइंट बताओ क्या होगा। सर लैम्डा मान लेंगे कुछ, जो गिवन पॉइंट है 4, 0, 1 है ना। और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर बता सकते हो, पैरेलल वेक्टर क्या होगा इस लाइन का? -2i - -3। वेरी गुड। इस जो पैरेलल वेक्टर होगा उसके जो आपके कोएफिशिएंट होंगे वो जाएंगे -2, 6, -3 है ना। क्लियर है सर? यस सर बिल्कुल। अब आपको बोला है क्वेश्चन में कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो कौन से पॉइंट से, 2, 3, 4 से। तो कोई पॉइंट है मान लो पी 2, 3, 4, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो पॉइंट है डी ठीक है, तो ये आपको पीडी डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले इस पॉइंट डी को अज्यूम करना पड़ेगा है ना, क्लियर है? तो पॉइंट डी को अज्यूम करने के लिए मान लो इसको अपने लैम्डा से इक्वेट कर दिया। अब लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने, अब ये पॉइंट डी लाइन पे लाई कर रहा है, बोलो? यस सर कर रहा है। यहां से आप एक्स वाई जेड निकाल सकते हो, तो एक्स कितना आएगा इसको लैम्डा से, देखो इसको लैम्डा से इक्वेट कर दो, हां -2 λ + 4। देखो कैसे आएगा, ये जो पहला पार्ट है x - 4 / -2, इसको आप लैम्डा से इक्वेट करोगे तो यहां से एक्स निकालना, तो एक्स कितना आ जाएगा -2 λ + 4। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है y / 6, उसको लैम्डा से इक्वेट करोगे तो y कितना आ जाएगा 6 λ, और लास्ट वाले को लैम्डा से इक्वेट करोगे z - 1 / -3 = λ, तो यहां से z कितना आ जाएगा -3 λ + 1 है ना। यस, आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया, जेड कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया। यहां तक समझ में आया क्या? बिल्कुल सर को दिख। अब बेसिकली ये जो वेक्टर है पीडी वेक्टर, ये जो वेक्टर बोलो या फिर जो भी बोलो वेक्टर बोल दो, ये पीडी वेक्टर, और ये जो पैरेलल वेक्टर है इसको नाम मान लो फॉर एग्जांपल बी वेक्टर, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे आया ना ठीक है। ये जो पीडी वेक्टर, क्योंकि अपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला, तो ये जो पीडी वेक्टर है इस परपेंडिकुलर टू माय पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर ठीक है। तो पीडी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ये है, तो इनका मैं क्या कर सकता हूँ, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, जीरो। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा है ना। यस सर ठीक है। तो पीडी वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, d - p वेक्टर है ना। तो यहाँ से अपन पीडी वेक्टर निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, पीडी वेक्टर। पीडी वेक्टर कैसे निकालते हैं, डी में से पी को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास डी ए रहा और पी ए रहा। डी में से पी को माइनस करोगे तो पहले -2 λ + 4 - 2, फिर 6 λ - 3, और -3 λ + 1 - 4। डी में से पी के कोऑर्डिनेट्स क्या करती है, माइनस, तो डी के कोऑर्डिनेट्स माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ से आपके पास पीडी वेक्टर आ जाएगा। तो पीडी वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, -2 λ + 2, -6 λ - 3, -3 λ - 3 है ना ठीक है। yes, sir. अब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो से इक्वेट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो से इक्वेट कर देंगे, मतलब बेसिकली ये बी वेक्टर आपका ये रहा, देखो यहाँ पे बी वेक्टर लिखते, तो बी वेक्टर कितना है, उसके कोएफिशिएंट आपके पास है -2, 6 और -3। अब ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो पीडी डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है ना। बोलो डॉट प्रोडक्ट लेना आता है कि नहीं आता है? यस सर।
तो इनको आपस में प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, माइनस टू लैम्डा प्लस टू प्लस सिक्स इंटू सिक्स लैम्डा माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री लैम्डा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करके आप लैम्डा ये कैलकुलेशन तो कर लोगे खुद से, है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, इतना करना आना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, क्या आ जाएगा लैम्डा, क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, ये लैम्डा सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट जो होता है ना, मतलब ये करने का दिल ही नहीं करता प्रैक्टिस में तो। नहीं नहीं, हाँ वो भी जो भी नहीं, पर ये मैं अज्यूम करूँ ये आप कर सकते हो, ठीक है, ये करना भी पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करा करो, कर ही लेंगे, मजबूरी है। नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं, घर पे भी करो, जितना घर पे प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना फास्ट बनोगे, नहीं तो एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक करके आओगे। ऐसा कभी मत करना कि घर पे छोड़ दो इसको आगे, जितना आप घर पे प्रैक्टिस करोगे सेम हैबिट एग्जाम के लिए बनेगी, क्लियर है। इसलिए हमेशा घर पे भी पूरा ट्राई करा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बने, एग्जाम में सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई प्लस माइनस की पूरे माइनस एक नंबर मिलेगा, प्लस चार की देगा। ठीक है, ये वैल्यू लैम्डा की आप यहाँ पे रखोगे आपको बस पॉइंट डी आ जाएगा, क्लियर है। फिर डी आ जाएगा तो पीबी का आप डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। इज इट क्लियर? यस सर। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि ये तो अपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लो मुझे इमेज पूछे कि इमेज निकालो, तो इमेज निकालने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं, एक मिनट इसी की एक और स्लाइड ऐड कर देता हूँ। हाँ कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, अब इमेज कैसे निकाले वो सोचते हैं, ध्यान से समझना। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, लाइन की इक्वेशन गिवन है मतलब इसको कोई ना कोई पॉइंट अज्यूम होगा और इसका पैरेलल वेक्टर पता होगा। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है और एक कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा पी, और बोला इसकी इमेज निकालो, इस लाइन के अबाउट इसकी क्या निकालो, इमेज। इमेज मतलब इसी का मिरर इमेज, मतलब बेसिकली इसी के जस्ट अपोजिट उतने ही डिस्टेंस पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, है ना, परपेंडिकुलर पे, क्लियर है, बोलो। यस सर। इस क्यू का आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना, इस क्यू का क्या निकालना है आपको, कोऑर्डिनेट, क्लियर है। कैसे निकालेंगे बताओ सर, सेक्शन फार्मूला लगा, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन कैसे अप्लाई करोगे सर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देते हैं उसका, वेरी गुड। सबसे पहले जैसा अभी अपन ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, आप क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। यस सर। क्या निकाल लेना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, स्टेप वन फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आता है। यस सर। अभी अपन ने जो सीखा वही था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब ये तो कोई मिड पॉइंट है। यस सर। ये क्या है, मिड पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल आपको क्यू निकालना, इसको आपने अज्यूम कर लिया मान लो ए कोमा बी कोमा सी, आपको निकालना है। सबसे पहले आपने क्या निकाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो अभी के लिए कुछ अज्यूम कर लेते, इसको मान लो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 1 2 5, अभी के लिए अज्यूम कर लेते रैंडम। तो मान लो आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया पहले, है ना। अब क्यू निकालने के लिए क्या अप्लाई कर दोगे, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, या अज्यूम कर लोगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, बेसिकली रेशियो 1:1 है, है ना। तो m का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, x1 + x2 / 2, y कोऑर्डिनेट y1 + y2 / 2, है ना, समझ में आ रहा है। यस सर। और z कोऑर्डिनेट होगा z1 + z2 / 2, ठीक है। तो आपके पास x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आया हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट ये आपका x है, ये बेसिकली क्या होता है x, इसको अपन बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं अपन x2, है ना। ये होता है मेरा y, ये होता है z जो अपन निकालते हैं, और ये मेरा y1, ये y2, ये z1, ये हो जाएगा मेरा y2, ये z2, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप करोगे आंसर आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट 1 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, यहाँ से a आ जाएगा। सेम 2 इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, यहाँ से आपके पास b आ जाएगा, और लास्ट वाले को करोगे तो c आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। आपका परपेंडिकुलर का पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आना चाहिए, उसके दो तरीके में दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करें, घर पे जाके प्रैक्टिस करना प्रॉपरली, और दूसरा इमेज निकालना। तो इमेज निकालने के लिए अगर फुट आ जाएगा फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके आप उस पॉइंट की इमेज निकाल सकते हो, क्लियर है। चलो नाउ नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, कि दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें, क्लियर है। अब देखो जो दो लाइंस है, लाइन कितने प्रकार की हो सकती है, तीन प्रकार की। पहली की अगर लाइन इंटरसेक्ट करे, लाइंस कैसी हो, इंटरसेक्टिंग, है ना। दूसरी प्रकार की हो सकती है लाइंस कैसी हो, पैरेलल,
ठीक है। अब यहाँ पे 3D में एक प्रकार होता है जिसमें लाइन नाइदर इंटरसेक्टिंग होती है, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, नॉर पैरेलल, ठीक है, ना ही इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट और ना ही पैरेलल होती है, ठीक है। अच्छा मुझे उसके बारे में बताता हूँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इनका मुझे निकालना पड़ेगा पैरेलल लाइन के बीच में कुछ ना कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना? यस सर। अभी तो तीसरी प्रकार की लाइन है, ये ऐसी लाइन है जो बेसिकली क्या कहते हैं इसको, ना ही इंटरसेक्ट करती ना ही पैरेलल। अच्छा मुझे, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब वेक्टर पढ़ा रहा था कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते, क्या ये बात सही है? सर जब तक कि वो दोनों वेक्टर फ्री वेक्टर हो। सर मतलब दोनों वेक्टर का मान लो फ्री वेक्टर है आपके, तो क्या वो दोनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे? यस सर। टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर अपन फ्री अज्यूम कर रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं तो फ्री वेक्टर है। यस सर। टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, है ना, उसको अपन घुमा फिरा मतलब बेसिकली डिस्प्लेस करके एक प्लेन में लेके आ सकते हैं, है ना? यस सर। लाइन के केस में भी ऐसा हो सकता है कि दो लाइन हमेशा कोप्लेनर होगी? सर लाइन को मूव नहीं कर सकते, क्यू लाइन भी तो है ना। हां अरे इसकी तो अभी पढ़ाई नहीं ना, मैं कह रहा हूं लाइंस कोप्लेनर हो सकती है क्या? हो भी सकती है। नहीं सर जरूरी नहीं है। हां लाइंस जरूरी नहीं, क्योंकि लाइंस को आप मूव कर सकते हो क्या, पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हो क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, अच्छा आप एक बार अपने एंड पे ट्राई करो, आपके पास दो पेन पड़े हो तो दो लाइन अलग अलग बना लो, एक ऊपर से जा रही मान लो एक नीचे से जा रही है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, अब यहाँ पे फिलहाल तो कैमरा ऑन नहीं है, जैसे यहाँ पे मान लो एक लाइन ऐसी बना दी मैंने, वो दूसरी लाइन में यहाँ नीचे से निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक ऊपर से जा रही है एक लाइन नीचे से जा रही है, क्या ये कभी भी इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को? नो सर। आप 3D में इमेजिनेशन कर लेना, एक लाइन ऊपर से निकाल दी मान लो और एक लाइन नीचे से जा रही है, लेकिन अगर हम इसे टॉप व्यू से देखें तो शायद, नहीं व्यू से नहीं, अरे व्यू थोड़ी देखना अपन को, मुझे तो ये देखना भाई इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। यस सर। और कभी भी इंटरसेक्ट करेगी कि एक लाइन मान लो ऊपर से निकाल दी एक लाइन नीचे से निकाल दी आपने, ये आगे तक जा रही है इस साइड जा रही है, तो ये कभी आपस में इंटरसेक्ट करेगी क्या? नो सर। नो सर। इसमें किसी को डाउट आ रहा है? ऐसी लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में, जो दैट इज नॉन कोप्लेनर लाइन है, ऐसी लाइन को अपन स्क्यू लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन। ये बात समझ में आ गई? यस सर। या विजुअलाइज कर पाओगे कि करके देखो? सर कर। नहीं सर हो गया। हो गया ना, बेसिकली ऐसी लाइंस भी होती है जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ना ही पैरेलल भी नहीं है लेकिन इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, मतलब नॉन कोप्लेनर नॉन इंटरसेक्टिंग, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं स्क्यू लाइन। क्या बोलते हैं? अपन हाथ को भी कर सकते हैं ऊपर नीचे कर, हाथ को भी कर लो, एक हाथ नीचे से जा रहा है एक हाथ ऊपर से जा रहा है, एक पूरा इंफिनिटली आगे तक जाएगा एक ऐसे जाएगा, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना? यस सर। यस सर। अब बेसिकली मुझे इन दोनों तरह की लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला ही याद करना है, दोनों का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से ही अप्लाई होंगे, ठीक है? डेरिवेशन आप घर पे खुद से करना, ये होमवर्क ये इंपॉर्टेंट भी है, डेरिवेशन में बहुत कुछ सीखोगे आप, रेफर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में प्रॉपर दोनों का डेरिवेशन दिया हुआ है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दो बार तीन बार उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा फिर जाके समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन मेहनत करोगे तो दो तीन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये मैं नहीं करूंगा डेरिवेशन, आप खुद से घर पे मेहनत करना, एनसीईआरटी में प्रॉपर डेरिवेशन दिया एक बार ट्राई करना, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे बोल देना अगली क्लास में, सर हमको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा, क्लियर है? सर बेसिकली प्रोजेक्शन लेना है एक वेक्टर का दूसरे पे। हाँ जो भी है जिसको आता अच्छी बात है, लेकिन एक बार घर पे ट्राई करना, आ रहा है समझ में? यस सर। तो बेसिकली यही है कि लाइंस इस प्रकार की हो सकती है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा, बची हुई दो हो सकती पैरेलल, एक हो सकती है स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन मतलब नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, अब उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है सॉरी।
एक मिनट पेज ऐड कर दूं फिर फटाफट इसको बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है देखो ध्यान से, तो मैंने आपको बोला कि दो तरह के फॉर्मूले आपको पढ़ने, एक स्क्यू लाइन, मान लो एक एसी जा रही और एक एसी जा रही नीचे से, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इन दो लाइन के आपको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगी, दो लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और आपके उनको दो को बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, लाइन L1 और लाइन L2। मान लो लाइन L, हेलो आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, लाइन L1 की इक्वेशन मान लो आपको गिवन है इस फॉर्मेट में कि R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, वेयर A1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन एंड B1 इज माय पैरेलल वेक्टर। ये लाइन L1 की इक्वेशन है। लाइन L2 की इक्वेशन आपको गिवन है, मान लो R2 इक्वल टू A2 प्लस यहाँ पे लैम्डा यूज किया तो यहाँ पे कोई और कांस्टेंट म्यू टाइम्स B2, अगेन A2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन एंड B2 इज माय पैरेलल वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला याद करने का तरीका देखो ध्यान से, चाहे तो उसको आपको मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है ना? यस सर। तो आप उसको ऐसे याद रखो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है बॉक्स ऑफ, ये तो तीन वेक्टर हैं आपके, एक तो बी वन वेक्टर, एक बी टू वेक्टर और तीसरा इन दोनों का डिफरेंस वेक्टर ए टू माइनस ए वन। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ बी वन बी टू और ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड होता था याद है किसी को? बी टू माइनस बी, बी वन क्रॉस बी टू। हाँ, बी वन क्रॉस बी टू के बी टू माइनस क्या होता था? क्रॉस 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 बी वन क्रॉस, दोनों पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना। बॉक्स प्रोडक्ट याद है आपको कि नहीं याद है? यस सर याद है, कल ही तो कराया था। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू और इस पूरे के पे मॉड लगा देना क्योंकि डिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रही? यस सर। ये आपका फॉर्मूला, इसको रट लेना, रटना ही पड़ेगा ऑफकोर्स क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। हाँ है ना? आ रहा है समझ में? B1 B2 क्या है? पैरेलल वेक्टर। और A2 माइनस A1 मतलब इस लाइन पे जो दो पॉइंट होंगे बेसिकली वो वाला वेक्टर A2 माइनस A1। मान लो एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B, तो ये जो AB वेक्टर होगा B माइनस A, A2 माइनस A1। मान लो इस पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट A1 वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट A2 वेक्टर, तो ये जो AB वेक्टर A2 minus A1, ये है आपका B, है ना? तो बेसिकली B1 cross B2 dot A2 minus A1 upon magnitude of B1 cross B2, है ना? Yes sir. Yes sir. ये फॉर्मूला आपका किसके लिए है? ये फॉर्मूला किसके लिए है? It is the shortest distance between two skew line. अगर दो लाइन स्क्यू है तो उनके बीच में जो shortest distance होगा वो ये हो। क्लियर है? Yes sir. ये स्क्यू लाइन। अब मैं आपको फटाफट पैरेलल लाइन का भी फॉर्मूला याद करा देता हूँ, बस दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर लाइंस पैरेलल हुई तो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में गिवन होगी। मान लो L1 की इक्वेशन है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, और L2 अगर पैरेलल वेक्टर दोनों का सेम होगा, बस दोनों का पॉइंट अलग होगा, तो A2 प्लस म्यू टाइम्स B वेक्टर। यहाँ पे B1 B2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? B वेक्टर। हाँ है ना? यस। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम D इक्वल टू, देखो दोनों में A2 माइनस A1 तो रहना ही है, दोनों में क्या रहेगा? A2 माइनस A1, तो यहाँ पे एक B वेक्टर आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1। इन दोनों के बीच में आप करोगे क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूले एकदम बाय हार्ड याद करने, B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, और इधर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। क्या बात समझ में आ रही है? मुझे एक चीज बताओ कि अगर मान लो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन निकाल रहे दो लाइन के बीच में, अगर ये जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या? वो दोनों कोइंसाइड कर रही है। हाँ, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड नहीं, दोनों क्या कर रही है? इंटरसेक्ट है ना? अगर मान लो इस क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका जीरो आ रहा है, इसका मतलब लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। बोलो। क्लियर है? यस सर।
ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आपको फॉर्मूला ढंग से याद करना, अब इस पे क्वेश्चंस में करा देता हूं, ठीक है? देखो ध्यान से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन निकाल लोगे फॉर्मूला? यस सर। पहले का बी वन वेक्टर बताओ, क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप है ना। दूसरे का डायरेक्शन रेशियो बताओ, 3 4 5 3 4 5 3 4 5। क्या दोनों स्क्यू के पैरेलल है? कैसे पहचानेंगे दोनों के पैरेलल है या अलग अलग है ना? तो डिस्टेंस का फार्मूला बोलो क्या था, b1 cross b2 a2 minus a1 dot a2 minus a1 divided by magnitude of b1 cross b2। very good। और अच्छा a1 वेक्टर बता दो ऊपर का, उसके डायरेक्शन रेशियोस 1 2 and 3। और a2 के डायरेक्शन 2 4 5। आसान है? यस यस सर। वेरी गुड, कर लेना। डिटरमाइन वेदर द लाइन इंटरसेक्ट हो ना, तो कैसे पता करोगे इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है? सर अगर इनका डिस्टेंस जीरो आ गया, वेरी गुड। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन यहां पे तो डायरेक्ट कर दोगे, ये आपका a1 ये b1 है ना, ये a2 ये b2 सर बी है, ये बी बी वन बी टू नहीं है, सेम ही है। हाँ सेम ही, अच्छा पैरेलल है। हाँ तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, वेरी गुड। हाँ पैरेलल सर, लास्ट वाले मतलब जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन और था कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सर वो कैसे निकालेंगे? कौन सा वाला? यस सर इसी में। हाँ ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। यस सर। ठीक है एक मिनट, तो इसको मैं नए पेज पे बताता हूँ, एक मिनट ये बताओ। अच्छे पैरेलल का एक फॉर्मूला बता दो, बी डॉट, हाँ बोलो जल्दी से, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन बी अपॉन बी का मॉड्यूलस, मतलब बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? हाँ ना। यस सर। उस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड इंटरसेक्टिंग दिस एंड दिस। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक बार देखो इसको ध्यान से। दो लाइन गिवन है आपको, हाँ है ना? Yes, sir. दो लाइन कैसी भी हो सकती है, मान लो एक ऐसी तिरछी बना दी, ठीक है? अब आपको एक ऐसी लाइन निकालनी है जो किसी गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट 1, 1, 1 से पास कर रही है और इन दोनों लाइन को कहीं ना कहीं कहीं इंटरसेक्ट कर रही है बेसिकली। इस लाइन की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो मुझे पता ही है, एक कंडीशन और चाहिए कि इनका पैरेलल वेक्टर है, कुछ निकल जाए तो काम हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर तो मुझे गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, पैरेलल वेक्टर को अज्यूम करना पड़ेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन मान लो मैंने क्या मान ली, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, हाँ है ना? बोलो, ये आपने लाइन की इक्वेशन अज्यूम कर ली, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये लाइन की आपकी इक्वेशन हो गई। अब ये ए बी सी कैसे निकाला है सर, ये इनका इंटरसेक्ट है तो इनका डिस्टेंस जीरो होगा दोनों लाइन से। ये कर सकते हो क्या आप, ये बेसिकली ये लाइन इसके साथ भी इंटरसेक्ट कर रही है और इसके साथ भी इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ ना? ठीक है, yes, तो इस लाइन का दोनों लाइन L1 और L2 का से L1 एंड L2 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इसे इक्वेट कर दोगे जीरो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इसे इक्वेट कर दोगे जीरो से इक्वेट कर दो। अब देखो आपके पास अननोन कितने, तीन है, क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास एबीसी में एक रिलेशन आएगा, दो रिलेशन आएंगे एबीसी में, एबीसी में कितने रिलेशन आएंगे, दो। तो वहां से अगेन आपको रेशियो निकालना है, जैसे आपने अभी पिछले बात किया था ना रेशियो, ए बी और सी में रेशियो निकालना है, क्लियर है? यस सर। आप ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है एक्चुअली, ये ऐसा एग्जाम में आना तो नहीं चाहिए, बस इसका कॉन्सेप्ट सिखाना था इसलिए आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। इसको मैं सॉल्यूशन आपके ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हो। करना क्या है, आपके पास तीन अननोन है ए बी सी, आपको तीन निकालना, बेसिकली ए बी सी और सी में आपको रेशियो चाहिए, ए टू बी टू सी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो लाइन है इस लाइन का पहली वाली लाइन के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो से इक्वेट, दूसरी लाइन के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो से इक्वेट, वहां से आपके पास ए बी सी में दो रिलेशन आएंगे, उन दोनों रिलेशन की मदद से आप तीनों के बीच में रेशियो निकालोगे। क्या बात समझ में आती है? यस। सबको क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, कुछ जेई के वो वाला मैं क्वेश्चन अभी कराता हूँ लास्ट में, फटाफट कुछ जेई के इंपॉर्टेंट पीवाई के देख लो। देखो क्या ये हो जाएगा, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन द लाइन दिस इज गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, आया ना? Yes, sir. अच्छा। पढ़ो इसको ध्यान से।
द एंगल बिटवीन टू लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय दिस। अब देखो इसको मैं ये आपके लिए फर्स्ट आ रहा है, जिसने पहले कर रखा अच्छी बात है, जो पहली बार कर रहा है पहले मैं इसको सिखाऊंगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। आपको हमेशा देखो डायरेक्शन कोसाइन में दो रिलेशन देंगे और बोलेंगे उन डायरेक्शन को कोसाइन को सेटिस्फाई करने वाली जो दो लाइन है उसके बीच में एंगल कितना होगा ये पता करना। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक तरह का, इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन का करने का तरीका होता है, वही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। क्या स्टेप्स होगी ध्यान समझना, पहले डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन क्या गिवन है, देखो ध्यान से, एल प्लस 3m plus 5n equal to 0, एक रिलेशन आपके पास ये गिवन है। दूसरा रिलेशन क्या गिवन है, 5lm minus 2mn plus 6nl equal to 0। सब लोग सुन रहे हो ध्यान से, हाँ है ना? Yes sir। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, स्टेप वन एलिमिनेट, जैसे अपन वहां पे करते थे एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल, एल एम एन में से किसी एक को एलिमिनेट करो, एनी वन वेरिएबल एल एम और एन में से। तो किसको एलिमिनेट करना आसान रहेगा बताओ? सर एन एल को, नहीं एन तो दो बार, नीचे भी एम भी दो बार है, एल भी दो बार है, राइट कर देते हैं। हाँ एक आसान तरीका बताओ और सोचो, डिवाइड कर देते हैं एल एम एल, डिवाइड थोड़ी करेंगे। अरे मेरे को बेसिकली यहाँ से, मुझे यहाँ से किसी दो में रिलेशन लाना है, या तो एल एम या एम एन या एन एल में, तो कैसे रिलेशन सर एल की वैल्यू निकाल लेते हैं एम और एन के टर्म्स में, यहाँ से आप एल की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख दे, बोलो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस फाइव एन माइनस थ्री एम है ना, ये वैल्यू अगर अपन इसमें रख देंगे तो पूरा एल एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, देखो ध्यान से, 5l l की जगह माइनस 3m, ठीक है, माइनस 5n माइनस 3m है ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2mn, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6n into l, l कितना आएगा अगेन माइनस 5n माइनस 3m, क्लियर है यहाँ तक? सर हमने l सबसे ऊपर आएगा ना, क्या हो गया सर, फर्स्ट वाले में एक और एम आएगा ना लास्ट में, हाँ एम आ जाएगा, ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इस कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है इसको सॉल्व करो फटाफट, कितना आएगा देखो पता, माइनस 25n और यहाँ पे m भी आएगा, आया ना, ठीक है, माइनस का 15n m स्क्वायर है ना, ये m है, अच्छे से लिख देते हैं, करो सॉल्व आप अपनी अपनी कॉपी में। थर्टी एन स्क्वायर और माइनस 18 mn mn इक्वल टू 0, ठीक है, इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना आ रहा है मुझे बताना एक बार, 15m स्क्वायर प्लस 30n स्क्वायर और mn कितना बच रहा है सर, सब ऐड हो गए 43mn, नहीं नहीं माइनस सब माइनस, हाँ सब ऐड हो जाएंगे 20 और 25 45 45, ठीक है थोड़ा आसान दिख रहा है, 15 का माइनस माइनस का 45 नहीं सब माइनस उधर चल देंगे प्लस बन जाएगा, हाँ है ना, यस सर, 15 में 15 को 0 में भेज दोगे, क्लियर है यहां तक? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक के एम और एन दोनों में, तो किसी एक सिंगल में क्वाड्रेटिक अगर आपको बनाना है तो आप क्या करो, किसी एक से डिवाइड कर दो, जैसे मान लो एम स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, क्या करें एम स्क्वायर या एन स्क्वायर किसी एक से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अगर मान लो आपने एन स्क्वायर से डिवाइड किया, अगर पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा m by n का होल स्क्वायर, हाँ है ना, yes, plus 3 times m by n plus 2 equal to 0, बोलो क्लियर है सर, बेसिकली अब ये m by n में क्वाड्रेटिक है, yes सर, इसको मान लो आप टीवी मान लोगे तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ है ना, yes sir, yes sir, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, यस सर,
इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे? दो. तो दो टी की वैल्यू आएगी. टी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? दो. कौन कौन सी? माइनस टू और माइनस टू एंड माइनस वन. ये रहे यहाँ तक. और ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था? बेसिकली ये दो दो रिलेशन है, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कितनी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दो. क्लियर है? इसने यहाँ पे देखो आपके पास दो वैल्यू आई है. तो पहले में आप क्या करोगे, आपके पास टी मतलब कौन था? एम बाई एन है ना. तो पहले एक 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 लाइन का एम बाई एन की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस टू. और दूसरी लाइन की एम बाई एन की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन. क्लियर है? एक लाइन को आप एल वन अज्यूम कर लोगे, दूसरी लाइन को एल टू अज्यूम कर लोगे. यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देख लो एक बार. यस सब लोग देख लो. किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ लो. एनीवन? ठीक है. अब देखो लाइन L1 के मुझे तीनों जो L, M, N है उसमें रिलेशन डेवलप करना है, उनके रेशियो निकालना है. ठीक है? तो किसी एक को आप अगेन पहले जैसे मैंने आपको बताया था लैम्डा अज्यूम कर लो. जैसे मान लो आपने N को लैम्डा अज्यूम कर लिया, किसी एक को क्या अज्यूम कर लिया? लैम्डा. क्लियर है? बोलो. यस सर. किसी एक को आप लैम्डा अज्यूम कर लो, किसी को भी अज्यूम कर सकते हो. एन को अगर आपने लैम्डा अज्यूम कर लिया तो यहाँ से एम कितना आ जाएगा? माइनस टू लैम्डा. माइनस टू. वेरी गुड. अब एल कैसे निकालेंगे? एन पता है, एम पता है, एल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे रख दोगे? यस सर. यहाँ पे अगर आप लैम्डा की रख दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस फाइव लैम्डा प्लस का सिक्स लैम्डा है ना. लैम्डा लैम्डा बचेगा तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा. क्लियर है? यस सर. जो लाइन एल वन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए? लैम्डा से डिवाइड कर दोगे तो वन माइनस टू वन. ये दिख रहा है सबको? यस सर. देखो जिसको समझ में आया वो बोलना. यहाँ पे मैंने क्या करा, एन को लैम्डा अज्यूम कर लिया तो एन को लैम्डा, लैम्डा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एम की वैल्यू माइनस टू लैम्डा आ जाएगी. एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस टू लैम्डा. ये एम और एन की वैल्यू यहाँ रखोगे तो एल आ जाएगा. जिसको डाउट हो तो अभी पूछ लो. डाउट हो तो पूछ लो. ठीक है? यहाँ से अगेन अगेन यहाँ पे आप किसी एक को अज्यूम कर लो. मान लो एन को आपने कुछ अज्यूम कर लिया, मान लो म्यू अज्यूम कर लिया. क्या अज्यूम कर लिया? म्यू. तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ म्यू है ना. अब अगेन एम और एन की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे एल में, यहाँ पे एन की जगह म्यू रखोगे, यहाँ पे माइनस म्यू रखोगे तो माइनस का फाइव प्लस का थ्री तो कितना आ जाएगा? माइनस का टू है ना. बोलो. यस सर. L2 के रेशियोस क्या हो जाएंगे? 1, -1, -2. तो ये L1 और L2 के रेशियो आ गए. मतलब बेसिकली उनके पैरेलल वेक्टर्स के आपके पास क्या आ गए? डायरेक्शन रेशियो. आप दो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हो cos थीटा. यस. आप दोनों के बीच में एंगल निकल जाएगा. एक वेक्टर को A1 अज्यूम, एक B1 B2 अज्यूम कर लेना तो B1.B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2. क्लियर है? तो देखो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? बेसिकली आपको हमेशा दो रिलेशन देंगे, उन दोनों रिलेशन को सबसे पहले किसी एक को एलिमिनेट कर देना. मतलब किसी एक की वैल्यू दूसरे में रख देना तो आपके पास दो इक्वेशन एक एम में या एन में क्वाड्रेटिक आएगी. तो आप क्या करना, एम बाय एन में क्वाड्रेटिक बना लेना. क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, एक रूट से एक लाइन बनेगी, दूसरे रूट से दूसरी लाइन बनेगी. तो बेसिकली आपको एल एम और एन में एक रिलेशन डेवलप करना है. जैसे यहाँ पे एल एम एन क्या आया था? लैम्डा माइनस टू लैम्डा लैम्डा. तो वहां से मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए? 1, -2, 1. और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए? 1, -1, -2. हाँ आंसर आ जाएगा. वेरी गुड. बी आ रहा है क्या? यस सर, बी आ रहा है. ठीक है ठीक है. बाकी क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बोलो. यस सर. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना. बोलो. ठीक है यहाँ तक? यस सर. ठीक है, आपका एक क्वेश्चन रह जा रहा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि उसको समझाने के लिए अगेन 10 मिनट चाहिए मेरे को. क्लियर है? बाकी ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया आज. अब मेरी बात ध्यान सुनो. अच्छा, मैंने आपको एक कल वो बना के भेजा था, एक फिजिक्स का स्टडी मटेरियल भेजा था. यस सर, आपने भेजा था तो मैंने देखा था सर. मतलब वो है ना, देखो सुनो ध्यान से, वो है ना रेफरेंस बुक है और पीवाईक्यू है, तो उसमें सिलेबस का ध्यान रखना बस. मतलब ऐसा नहीं कि सब पूरा पढ़ो, सिलेबस के हिसाब से जो जो चीजें आपकी काम की उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी गिवन है कुछ रेफरेंस बुक में. अगर आपको जरूरत पड़ती तो यूज करना, जरूरत नहीं पड़ती तो यूज मत करना. लेकिन आप वहां से पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. क्लियर है सर? कल जो पीडीएफ भेजी थी उसी की बात कर रहे हो? हाँ उसी की बात कर रहा हूँ. मॉडर्न फिजिक्स का एक भेजा था मैंने. डाउनलोड करके पीवाईक्यू भी भेज दिया तो केमिस्ट्री का भी ऐसा मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. अब इसी फोल्डर में वो एक लिंक एक्चुअली ड्राइव लिंक है, उसमें एक और फोल्डर में बना दूंगा जिसमें आपका तीनों चीजें आ जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का. तो जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो हो जाएगा. और दूसरा वो जो आपका कोर्स प्लान है और टेस्टिंग प्लान है उसकी बिटली लिंक भी आपके साथ शेयर करना है, वो भी शेयर हो जाए. एंड सेकेंडली वो आपकी रिकॉर्डिंग सारी अपलोड हो गई है, तो जिसको भी पुरानी रिकॉर्डिंग देखना हो कल तक की वो सब देख सकता है. क्लियर है? ओके सर. अगला वाला मेजर टेस्ट ऑफलाइन है ऑनलाइन है? नहीं, 19th वाला ऑनलाइन रहेगा. इसके बाद 26 से आपके एफएसटी स्टार्ट होगा. 26 को आपका 12th का फुल सिलेबस टेस्ट है.
सर क्लास 3 बजे से नहीं हो सकती? ठीक है 3 बजे रख देंगे, ठीक है 3 बजे रख। सर वेक्टर 3D कितने लेक्चर लेगा अभी? बस 3D हो गया, बस एक अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करने दे एक दो लेक्चर और, ठीक है? ओके सर। अब बस क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। हाँ मैथ्स की भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है, फिजिक्स और केमिस्ट्री सबकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है, देख लेना प्लेलिस्ट पे यूट्यूब पे जाके। हाँ बोलो बोलो। सर ड्रॉपर वाले फ्रेजर्स में एक लाइन लिखी हुई है इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब वहां तक तो अभी पहुंचे भी नहीं। अच्छा आपके इसमें इंटीग्रल कैलकुलस भी लिख दिया क्या मैंने? हाँ तो वो दोनों का पेपर सेम करने के चक्कर में, तो आप दे देना पेपर में, क्या है आपको आएगा इसे, है ना? सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ बोलो, अलग से फोन कर लेना आप, ठीक है? ड्रॉपर्स वाले जो भी हो डिस्कशन 12th के साथ नहीं, अपन अलग से डिस्कशन कर लेंगे, क्लियर है? यस सर। 12th वाले लीव कर जाओ। बाय सर। बाय 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 सर। हाँ जो जो भी 12th वाले निकल गए, हाँ अब बोलो क्या दिक्कत है सर? वो प्रतीक सर की क्लासेस सर कब से होंगी? प्रतीक सर को मैंने बोला है, एक्चुअली फेस्टिवल है ना यार, तो इसलिए उन्होंने भी क्लास नहीं ली, मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास लेंगे आपकी, ठीक है? ओके सर। सर डी ब्लॉक भी रह रहा है ना? डी ब्लॉक हट गया सिलेबस से क्या? है डी ब्लॉक तो है सर। ठीक है तो जो बच्चा हो वो तो पूरा ही कवर होगा ना? यस सर। केमिस्ट्री कवर हो गया तो नीलक सर पढ़ा देंगे, उसमें क्या हो गया, क्लियर है? कोई नहीं सर, प्रतीक सर का ज्यादा समझ में आता है, बढ़िया सर। ठीक है देखते फिर, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके थैंक यू सर।